हेलो फ्रेंड्स, लेट मी गिव यू अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ सीए याचना मूथा बुरट, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड अ टीचर बाय पैशन. फ्रेंड्स, आई हैव डन डिप्लोमा इन इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट विद ऑल इंडिया सेकंड रैंक. आई एम एसोसिएटेड विद वेरियस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हियर इन मुंबई, अहमदाबाद एंड बैंगलोर फॉर ट्रेनिंग जीएसटी टू प्रोफेशनल्स, जॉब सीकर्स एंड माई डियर स्टूडेंट्स. आई एम अ फैकल्टी फॉर सीए फाइनल एज वेल एज सीए इंटरमीडिएट इनडायरेक्ट टैक्सेशन. सो दिस वॉज अ वेरी वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ. अब हम थोड़ा कोर्स के बारे में समझेंगे, ठीक है. ये जो कोर्स है बेटा, यहाँ पे किसके लिए रेलिवेंट है? जो स्टूडेंट्स अपियर कर रहे हैं सीए फाइनल एग्जामिनेशन के लिए, उनके पेपर इनडायरेक्ट टैक्सेशन के लिए रेलिवेंट कोर्स है. अब कुछ बच्चों की क्वेरीज होती है, बेसिक क्वेरीज, वो यहाँ पे मैं एड्रेस करूंगी अबाउट द कोर्स, ठीक है. 10 मिनट्स में हम ये डिस्कशन करेंगे और उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 1, ठीक है. सो हियर, सबसे पहले अगर हम मार्क्स का एलोकेशन की बात करें तो जीएसटी, आपके इनडायरेक्ट टैक्स पेपर में जीएसटी को क्या वेटेज दिया है? जीएसटी में एग्जाम में बेटा आते हैं 75 मार्क्स के क्वेश्चंस, कस्टम से 20 मार्क्स के एंड एफटीपी से 5 मार्क्स के. ये मार्क्स का एलोकेशन है, ठीक है. ये मार्क्स का एलोकेशन है, इसी वे में हमने डिजाइन किया है. सबसे ज्यादा वेटेज क्योंकि एग्जाम में जीएसटी को दिया है, तो डेफिनेटली हम भी जीएसटी काफी देर पढ़ेंगे, काफी अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे. तो कितने आवर्स में हमारा जीएसटी कंप्लीट होगा यहां? 90 आवर्स में अलोंग विथ क्वेश्चन बैंक डिस्कशन. अलोंग विथ क्वेश्चन बैंक डिस्कशन एंड कस्टम्स एंड एफटीपी. कस्टम्स एंड एफटीपी हम कंप्लीट करेंगे इन अप्रोक्सीमेटली 20 आवर्स अलोंग विथ क्वेश्चन बैंक डिस्कशन. कैसे पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, फिर उसका क्वेश्चन बैंक, देन चैप्टर नंबर 2 उसका क्वेश्चन बैंक, सो ऑन फॉर जीएसटी एंड सेम फॉर कस्टम्स एंड एफटीपी. हर एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद में उसका क्वेश्चन बैंक डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन बैंक का सोर्स क्या है मैम आपका? यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, तो बेटा क्वेश्चन बैंक में सारे पॉसिबल क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन बैंक में हमने डिस्कस किए हैं. इंस्टीट्यूट आईसीआई के मटेरियल के क्वेश्चन उसमें इंक्लूडेड है, आरटीपी के क्वेश्चन इंक्लूडेड है, एमटीपी के क्वेश्चन इंक्लूडेड है, पास एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आए हैं वो सारे इंक्लूडेड है. तो ये सारा ये सोर्स है क्वेश्चन बैंक का, यहां से कंपाइल किया गया क्वेश्चन बैंक, और जिन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस कहीं नहीं मिले हैं तो वो हमने डेवलप किए हैं, वो क्वेश्चंस यहाँ पे, ठीक है. तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे क्या रिलेवेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए हमें क्वेश्चन बैंक पढ़ना. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमने चैप्टर पढ़ा, चैप्टर नंबर 1 पढ़ा हमने, पूरे सारे कॉन्सेप्ट्स हमने समझ लिए. पर होता क्या है कि भाई हमने चैप्टर पढ़ लिया, कंसेप्ट समझ लिए, बट एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है उन प्रोविजंस को हम इम्प्लीमेंट कैसे करें, वो हमें बहुत डिफिकल्टीज आती है. तो उन प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करेंगे हम कैसे समझ में आएगा? जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो हमें समझ में आएगा वो प्रोविजंस इम्प्लीमेंट करना. या हमने काफी सारे चैप्टर्स में अलग अलग प्रोविजंस पढ़े, एग्जाम में जब क्वेश्चन आया तो उस टॉपिक पे यहाँ पे कंबाइन करके क्वेश्चन आ गया, तो हम यहाँ पे समझ नहीं पाते हैं कि हमें एग्जाम में उसे आंसर कैसे करने. तो वो हम कैसे कर पाएंगे? हमने जब प्रैक्टिस करें सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस, तो तभी हम कर पाएंगे. तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस जो आरटीपी एमटीपी में दिए, पास्ट एग्जामिनेशन में आए हुए, उसी तरह के क्वेश्चंस आगे एग्जाम में भी आने के बहुत चांसेस होते हैं. तो वो सारे क्वेश्चंस जब हम प्रैक्टिस करते हैं वैसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो हमें बहुत हेल्प होती है. तो क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे ही हमने चैप्टर पढ़ा उसके बाद हम क्वेश्चन बैंक सॉल्व करें, तो उससे क्या होता है, उससे हमें बहुत अच्छी क्लैरिटी आती है. जो प्रोविजन शायद हम नहीं समझ पाए, हम कई बार जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब हमें ज्यादा क्लैरिटी आती है. तो ये क्वेश्चन बैंक का सोर्स है, और ये हम हर एक चैप्टर का, जीएसटी का, देन कस्टम्स का, देन एफटीपी का, एंड तक के स्टार्ट टू एंड हम सेम ही अप्रोच फॉलो करेंगे, चैप्टर्स अलॉन्ग विथ क्वेश्चन बैंक, ठीक है. सो 90 आवर्स में जीएसटी होगा, 20 आवर्स में कस्टम्स एंड एफटीपी होगा, उसके बाद एक रिविजन सीरीज रहेगी, रिविजन होगा हमारा 15 आवर्स में. हमारा पूरा सिलेबस का रिविजन होगा 15 आवर्स में. अब दूसरी दिक्कत क्या आती बेटा, यहां पे दिक्कत आती कि भाई पढ़ तो पूरा लिया हमने, यहां पे 110 आवर्स हमने सारी पढ़ाई कर ली, अब इसके बाद में जब हम एग्जाम के दिन हम इतना पोर्शन रिवाइज कैसे करें? रिवाइज नहीं करें तो हमें एग्जाम में याद नहीं आता, याद नहीं आता हम एग्जाम में प्रेजेंट नहीं कर पाते. पढ़ा हुआ है बट लास्ट मोमेंट रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम के पहले दो बार रिविजन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तभी हमें कॉन्सेप्ट्स याद रहते हैं. तो इसके लिए एक मैंने डिजाइन करी है रिवीजन सीरीज, रिवीजन विद द समरी बुक, वेरी ब्यूटीफुली डिजाइन, आपने देखी होगी, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है. सो वो जो रिवीजन सीरीज है वो आपको फॉलो करनी है.
ठीक है, तो एग्जाम के पहले हमने पहले ही 110 आवर्स पढ़ लिया, उसके बाद हमने रिवीजन करना है विथ समरी बुक, समरी बुक से रिवीजन करना है। मैंने रिवीजन करवाया है 15 आवर्स में, ये 110 घंटे का हमने कंपाइलेशन किया है सिलेबस, यहां पे रिवीजन किया कितने में, 15 घंटे के अंदर। एग्जाम के टाइम पे हमें इतना टाइम मिलता है, हम खुद से रिवाइज कर पाए तो ठीक है, अदरवाइज रिवीजन वीडियोस लगाओ और रिवीजन करो। सो 110 आवर्स पढ़ने के बाद दो बार आपको रिवीजन वीडियोस देखने हैं एग्जाम के पहले, एग्जाम के दिन भी आप ये 15 आवर्स के वीडियो देख सकते हैं, आपको बहुत हेल्प होगा। और हमने अगर एग्जाम के पहले सारे सिलेबस अच्छे से रिवाइज कर लिया तो डेफिनेटली हमें बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। सो इसके बाद ये हमारा रिवीजन बुकलेट यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से हम यहाँ पे रिवीजन करेंगे। सो ये हमारा कोर्स हमने कैसे स्ट्रक्चर किया है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब इसके बाद यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी रहेगी साथ में, वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो 3+1 मॉडल में हम टेस्ट सीरीज देख सकते हैं। एक बार मैं आपको अभी बुक्स के बारे में बताऊंगी तभी हम टेस्ट सीरीज का भी डिस्कशन यहाँ पे कर लेंगे। अब एग्जाम में जो बेटा एग्जाम में हमारा पेपर आता है 100 मार्क्स का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एक बार। उसमें से 30 मार्क्स के तो आते हैं हमें MCQs और 70 मार्क्स का, ये सारा बेसिक डिस्कशन मैं यहाँ पे क्यों कर रही हूं, क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्वेरीज रहता है, तो हम यहाँ चैप्टर स्टार्ट करने के पहले एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। सो 30 मार्क्स के हमें आते हैं MCQ और यहाँ पे 70 मार्क्स का, 70 मार्क्स का हमको क्या क्या आता है, कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, थेरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, केस स्टडी काइंड ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। सो MCQ बेस्ड पेपर है तो स्कोर करना और भी आसान हो जाता है, MCQs आते हैं, केस सिनेरियोज यहाँ पे आते हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी। हमने अगर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझा है तो हम बिल्कुल बहुत अच्छे से MCQs यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं और बहुत अच्छे से मार्क्स फेच कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स ये क्लासेस यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स यहाँ ये क्लासेस दे रहे हैं, मेरी पूरी एक्सपेक्टेशन है कि हमको क्या लेके आना है, हमारा टारगेट ही क्यों है, हम क्यों इतनी पढ़ाई कर रहे हैं कि हमको 60+ मार्क्स लेके आना है, एग्जेम्पशन हमको लेकर के आना है एग्जाम में। तो अगर हम यहाँ पे एग्जेम्पशन हमें टारगेट करना है तो हमें प्लानिंग भी वैसे ही करनी पड़ेगी, ठीक है। प्लानिंग कैसे करनी पड़ेगी, देखो आप यहाँ 30 मार्क्स के आपके MCQ आ रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं प्लान करना है कि भाई मेरे को यहाँ पे 20-25 मार्क्स नहीं आ सकते क्या MCQ में, बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल 20-25 मार्क्स आपको आ सकते हैं। क्या चाहिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए आपको, कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, देन 70 मार्क्स के पेपर में बेटा क्या 70 मार्क्स के पेपर में आधे मार्क्स नहीं ला सकते, 35-40 मार्क्स नहीं ला सकते, बिल्कुल ला सकते हैं, ये क्या हो गया 60 मार्क्स हो गए, आराम से आ जाते हैं, बिल्कुल भी टफ नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को आते हैं बेटा 60-70-80, बिल्कुल बिल्कुल भी टफ नहीं है, मिनिमम 60 मार्क्स आपको लेके आने पड़ेंगे इस पेपर में, तभी आपका ग्रुप क्लियर हो पाएगा, ठीक है। एग्रीगेट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर ग्रुप, और वो आपको कौन हेल्प करता है, ये वाला पेपर, इनडायरेक्ट टैक्सेशन पेपर में एग्जेम्पशन लाना आपको बहुत आसान पड़ सकता है अगर आपने बहुत मेटिकुलसली प्लानिंग करी यहाँ पे और एग्जीक्यूशन किया उसका, ठीक है। सो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे MCQ आएंगे उसके लिए क्या चाहिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी। देन हम यहाँ पे जब क्वेश्चन बैंक डिस्कस करेंगे तब हम देखेंगे कि हमें ये सारे क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं और किस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे, प्रेजेंटेशन करेंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बेटा, नोट शुड ऑलवेज फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर, आपको नोट्स हमेशा यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, इट शुड ऑलवेज फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। कैलकुलेशंस ब्रैकेट में लिखने, हमें पता है हमने क्या किया, एग्जामिनर को भी तो पता चलने दो, पेपर ऐसा लिखो कि एग्जामिनर इंप्रेस हो जाए, वो कंपेल हो जाए कि आपको भाई मार्क्स दे, उसे लगे कि हाँ भाई ये पेपर है इसे सीए बनाना चाहिए। कब होगा, जब आपके पेपर में लीगल लैंग्वेज का आप यूज करोगे, प्रोविजंस का यूज करोगे, जैसे कि केस स्टडी काइंड ऑफ क्वेश्चंस है, हमें कैसे आंसर लिखना है, फैक्ट्स ऑफ द केस, लीगल प्रोविजन, डिस्कशन एंड एनालिसिस एंड कंक्लूजन, तो इस तरीके से हमें केस स्टडी आंसर्स लिखने। प्रैक्टिकल के मैंने आपको जैसे बताया, नोट शुड ऑलवेज फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर, कैलकुलेशंस ब्रैकेट में लिखना है हमको, ठीक है, स्टेप वाइज मार्किंग होती है तो हमें स्टेप बाय स्टेप हमको प्रॉपरली आंसर वहां पे लिखना है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आए, बहुत मुश्किल है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, बहुत कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जिससे आते हैं बट बहुत मुश्किल है कि ये क्वेश्चंस ज्यादा आए एग्जाम में, बट जब भी आए बहुत बढ़िया बात है, अच्छे खासे मार्क्स फेच कर सकते हो उसमें, ठीक है। सो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लिखना है, लीगल लैंग्वेज यूज करो, सेक्शंस यूज करो,
मैंने चैप्टर्स इस सीक्वेंस में पूरे बुक में डिजाइन किए, सेक्शन यहाँ पे आप 7 से स्टार्ट करोगे 31 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ जीएसटी लाइन से, वैसे ही यहाँ पे हमारा क्या किया गया है, हमने चैप्टर्स डिजाइन किए, सेक्शन 7 सप्लाई, सेक्शन 8 कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, सेक्शन 9 लेवी, सेक्शन 10 कंपोजिशन स्कीम। तो इसी सीक्वेंस में क्या किए गए, चैप्टर्स डिजाइन किए गए, चैप्टर्स एक के बाद एक रखे गए, तो हमें पढ़ते पढ़ते ही सारे सेक्शन याद हो जाएंगे, 100% याद हो जाएंगे। क्लासेस खत्म होगी तब तक कि हमें सेक्शन याद हो जाएंगे। लॉ की लैंग्वेज आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है, उसके बिना क्या नहीं होगा बेटा, उसके बिना नहीं हो पाता है हमारा एग्जाम में काम। हमें इतने अच्छे से यहाँ पे लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी तभी हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। एग्जेम्पशन लाने तो ये सारी प्लानिंग करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि मैम बुक्स वगैरह कौन सी वगैरह मिलेगी, तो एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं आपको बुक्स वगैरह कौन सी मिलने वाली है। सो बोथ मोड में क्लासेस अवेलेबल बेटा, गूगल ड्राइव भी ले सकते हो आप, पेन ड्राइव मोड में भी ले सकते हो। जिसने भी यहाँ पे क्लासेस ली है, सॉफ्ट कॉपी बुक्स आपके पास आई होंगी, अगर हार्ड कॉपी आपको चाहिए तो आप एड ऑन में ले सकते हो, वेबसाइट है मेरी icleague.com, आप वहां पे देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये बुक 1, बुक 2, बुक 3, ये तीन बुक्स आएंगी आपको, ठीक है। ये तीनों बुक्स हम कवर करेंगे, दो जीएसटी की, एक कस्टम्स की, दिस इज अ कलर्ड बुक एंड क्वेश्चन बैंक है, इट इज ब्लैक एंड व्हाइट। सारी कुछ वेबसाइट में अवेलेबल है, आपको सेपरेटली लेनी है तो भी आप ले सकते हो, आपने साथ में क्लासेस के लिए होंगे तो भी आप ले सकते हैं। तो इसी सीक्वेंस में बुक 1, बुक 2 एंड बुक 3, 2 ऑफ जीएसटी, 1 ऑफ कस्टम्स एंड एफटीपी एंड 1 देयर इज व्हाट क्वेश्चन बैंक, दैट इज इन ब्लैक एंड व्हाइट, बाकी सारी कलर्ड बुक्स रहेंगी। तो जैसे मैं आपको टेस्ट सीरीज के बारे में बता रही थी, जो ये तीनों बुक्स है इसी सीक्वेंस में हमारी टेस्ट सीरीज डिजाइंड है, आप मेरी वेबसाइट पे देख सकते हो। टेस्ट सीरीज कैसी है, 3+1 मॉडल में, एज आई हैव टोल्ड यू, कैसे रहेगी टेस्ट सीरीज कि भाई हमने बुक 1 पढ़ी, फर्स्ट 9 चैप्टर्स हमारे बुक 1 में, बुक 1 पढ़ी, आप हमें इंटीमेट करिए बुक 1 का टेस्ट दे दीजिए, देन बुक 2 हमने पढ़ी, बुक 2 का टेस्ट दे दिया, बुक 3 हमने पढ़ी, बुक 3 का टेस्ट दे दिया, एंड देन 2 फुल टेस्ट। इट इज ऑप्शनल, आपको चाहिए तो आप लिख सकते हैं, आपको कन्वीनियंट हो आपकी सिटी में जहां भी जो भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है वो लिखिए। एग्जामिनर आपका पेपर चेक करे उसके पहले, कोई और आपका पेपर यहाँ पे टीम चेक करे, कोई भी टेस्ट सीरीज की टीम, दैट इज रियली रियली वेरी गोइंग टू वेरी हेल्प यू, दैट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू लॉट, ठीक है। क्यों हेल्प करेगा वो आपको कि भाई एक तो रिविजन हो जाएगा एंड सेकेंड चीज क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमने एक बार टेस्ट सीरीज लिख ली तो हमारी प्रैक्टिस भी होगी, टाइम मैनेजमेंट एंड ऑल वो सब कुछ हमको हेल्प हो जाएगा। एंड इसके बाद मेरी वेबसाइट पे बेटा एक MCQ पोर्टल बनाया हुआ है, हर एक चैप्टर के बाद हमने क्लास में तो डिस्कस कर लिया क्वेश्चन बैंक, पूरा क्वेश्चन बैंक हम क्लास में डिस्कस करेंगे, कुछ एडिशनल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस कुछ चैप्टर्स में मैंने दिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, रीसेंट अटेम्प्ट के क्वेश्चंस है, आपको बिल्कुल बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ RTPs के भी क्वेश्चन है उसमें, वो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने ही करने, वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। तो जो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए रिपीटेटिव नेचर के या रीसेंट क्वेश्चन है वो आपको क्या करने, बिल्कुल प्रैक्टिस करने हैं वो क्वेश्चन। सेकेंडली हमने चैप्टर 1 पढ़ा, उसका क्वेश्चन बैंक डिस्कस किया, ये क्लास में किया, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको मेरी वेबसाइट पे जाना है, MCQ पोर्टल का आपको लॉगिन डिटेल्स एंड ऑल मिलेगा, आपको क्या करना है वहां पे MCQ पोर्टल में हर एक चैप्टर के 30-50 MCQs दिए हुए हैं, वो आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो हमको इतने सारे एफर्ट्स लेने पड़ेंगे क्योंकि हमें अच्छा स्कोर करना है। सो हमने चैप्टर पढ़ लिया, चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे पढ़ेंगे, क्वेश्चन बैंक पूरा डिस्कस करेंगे विच कंप्राइजेस ऑफ ऑल द काइंड ऑफ क्वेश्चंस, देन देयर आर सम एडिशनल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, उसके अलावा MCQ पोर्टल में जाके आपको क्या करना है, 30-50 MCQs है, आपको हार्डली आधा घंटा लगेगा एक चैप्टर पढ़ने के बाद में, आपको क्या कर लेना है वहां पे जाकर के आप वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आपकी और ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती जाएगी, ठीक है। सो ये हुआ बेटा कुछ डिस्कशन, बेसिक डिस्कशन जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे क्या रहते हैं, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, वो सारी चीजें हमने डिस्कस यहाँ पे कर ली। सो ये बैच किसके लिए एप्लीकेबल है, जो स्टूडेंट्स अपीयर करने वाले हैं November 2023 एग्जामिनेशन के लिए या May 2024 एग्जामिनेशन के लिए, उनके लिए ये बैच एप्लीकेबल रहेगी, ठीक है। यहाँ जो November 2023 में बेटा आप अपीयर करने वाले हो एग्जामिनेशन अगर, तो सारे अमेंडमेंट्स यहाँ पे इस बैच में कवर्ड है, सारे अमेंडमेंट्स इस बैच में कवर्ड है। ICAI का स्टैचुरी अपडेट ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, उससे जो भी रिलेटेड अमेंडमेंट्स यहाँ पे आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है यहाँ पे, वो सब कुछ आपकी बैच में कवर्ड है। सो आपको अमेंडमेंट सेपरेटली पढ़ने की जरूरत नहीं है November 2023 स्टूडेंट्स। May 2024 में जो बच्चे यहाँ पे अपीयर करने वाले, आपके लिए जो भी अमेंडमेंट्स रहते हैं वो इंस्टीट्यूट रिलीज करता है इन द मंथ ऑफ जनवरी और यहाँ पे December 2023 या January 2024 में इंस्टीट्यूट यहाँ पे रिलीज करेगा। जब भी इंस्टीट्यूट रिलीज करेगा उसके 15 डेज के अंदर अंदर अमेंडमेंट बुकलेट अलॉन्ग विद अमेंडमेंट लेक्चर्स आपके ड्राइव में आ जाएंगे,
ठीक है। सो ये जो है यहाँ पे क्या बात हुई है, अमेंडमेंट्स जो है यहाँ पे आपकी ड्राइव में आ जाएंगे। मई 24 वाले स्टूडेंट्स को मैं बोलूँ तो जनवरी के मंथ में आपके ड्राइव में अमेंडमेंट्स बुकलेट अलॉन्ग विद अमेंडमेंट लेक्चर्स आ जाएंगे। 2-3 घंटे के रहेंगे, ज़्यादा नहीं रहेंगे, ठीक है। सो आप ये कोर्स ले सकते हैं आप अगर नवंबर 23 या मई 24 में अपीयर कर रहे हैं तो, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। अब इसके अलावा अगर आपको कभी कुछ क्वेरीज वगैरह रहे तो आप क्या कर सकते हो, ये बेटा मेरा नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। यहाँ पे जो भी आपको डाउट रहेगा आप उसका मेरे को फोटो खींच कर प्रॉपरली क्वेरी लिख सकते हो आप। ये मेरा मेल आईडी है, इस पर आप आपकी क्वेरी भेज सकते हो, ठीक है, मैं उस पर रिप्लाई कर दूंगी। तो आपको जब भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे क्लैरिटी रहे सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड तो आप इस नंबर पे या इस मेल आईडी पे यहाँ पे क्या कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। सो दिस वॉज अ बेसिक डिस्कशन। इसके बाद हम क्लास में आगे जैसे जैसे चलते जाएंगे बाकी चीजें डिस्कस करते जाएंगे। अभी के लिए हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 1 जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले मुझे बताओ जीएसटी क्या है? मैम गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके टैक्स। सबसे पहले मुझे बताओ टैक्स मतलब क्या? टैक्स व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स? टैक्स क्या है? आपको ऑप्शन है, आप खुशी खुशी गवर्नमेंट को जाके दे रहे हो भाई ये लो यार 50 लाख रख लो मेरा टैक्स, ये लो 10 लाख रख लो, ये लो 5 लाख रुपए रख लो, ये लो 5000 रुपए रख लो, आप खुशी खुशी जाके दे रहे हो। आपके पास ऑप्शन है, आपको देना है तो दो, नहीं देना है तो नहीं। नहीं, इट इज अ मैंडेटरी लेवी, इट इज अ मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज और लेवी इम्पोज्ड बाय अ टैक्स पेयर ऑन एन इंडिविजुअल और लीगल एंटिटी बाय गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू फंड वेरियस पब्लिक एक्सपेंडिचर। थोड़ा बेसिक है बट 2 मिनट समझिए, बेस से कंसेप्ट क्लियर करने, मुझे एकदम आपके कंसेप्ट स्टार्ट टू एंड पूरे क्लियर करने और 100 आवर्स मोर देन सफिशियंट है, तो कंसेप्ट पे हम बराबर ध्यान देंगे। ये बहुत बेसिक है आई नो आप सब सीए फाइनल लेवल पे हो बट 2 मिनट। तो टैक्स क्या है? टैक्स एक मैंडेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट को देना है। गवर्नमेंट को पैसे क्यों चाहिए भाई? गवर्नमेंट को पैसे इसीलिए चाहिए, टैक्स इसीलिए चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट की बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको फुलफिल करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, रोड्स डेवलप करने हैं, ब्रिजेस डेवलप करने हैं, उसके लिए पैसे तो चाहिए, फंड्स तो चाहिए। और फंड्स कहाँ से मिलेगा? फंड्स आएंगे टैक्स, ठीक है। अब टैक्स दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब टैक्सेबल पर्सन एंड द पर्सन इफेक्टिवली पेइंग द टैक्स आर वन एंड द सेम, फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, ठीक है। अब ये आप समझो, जो टैक्स पे कर रहा है और जिसको उसका बर्डन पड़ रहा है वो एक ही इंसान है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरे समझ लीजिए जीएसटी की कंसल्टेंसी से मुझे इस साल 50 लाख का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 50 लाख मेरी नेट इनकम है, तो मैं टैक्स पे करूंगी करेक्ट? या मैं सबसे मांगूंगी मेरे क्लाइंट सर मेरे को इनकम टैक्स पे करना है, लाख रुपए आप दो, 50,000 आप दो, 50,000 आप दो? नहीं, बर्डन मेरा, टैक्स भी मेरे को पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बर्डन भी मेरा है। फॉर एग्जाम्पल ये क्लासेस से मुझे 10 लाख की इनकम हुई, ठीक है। अब मैंने बोला कि यार आप 5,000 दो, आप 5,000 दो, आप 5,000 दो, क्योंकि मेरे को यार टैक्स पे करना पड़ रहा है, इनकम टैक्स पे करना पड़ रहा है। नहीं भाई, कोई नहीं देगा। इनकम टैक्स, टैक्सेबल पर्सन एंड पर्सन इफेक्टिवली पेइंग द टैक्स आर वन एंड द सेम। सेकेंड इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या? टैक्सेबल पर्सन एंड द पर्सन इफेक्टिवली पेइंग द टैक्स आर डिफरेंट, एग्जाम्पल जीएसटी। अब इस पे तो हम एग्जाम्पल भी लेंगे एक। अब फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए हैं मोबाइल शॉप ओनर, ये सोल्ड मोबाइल टू मिस नेहा। मिस नेहा को उन्होंने मोबाइल सेल किया, नेहा को उन्होंने मोबाइल बेचा, मोबाइल की वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपीज, एड जीएसटी लगा उसमें फॉर एग्जाम्पल 12%, कितना हो गया 6,000 रुपीज, टोटल 56,000 रुपीज, ठीक है। अब मिस्टर ए ने नेहा को क्या दिया? मिस्टर ए ने नेहा को मोबाइल दिया, नेहा ने क्या दिया? नेहा ने मिस्टर ए को क्या दिया? पैसे दिए भाई, शी इज पेड 56,000 रुपीज टू मिस्टर ए। मिस्टर ए ने क्या किया? 50,000 तो खुद रिटेन कर लिए और 6,000 रुपए का वो क्या करेंगे? 6,000 रुपए का क्या करेंगे आप बताओ? ₹6,000 मिस्टर ए हैज पेड टू गवर्नमेंट।
मिस्टर ए ने 6,000 रुपये गवर्नमेंट को दे दिए, मतलब अल्टीमेटली पे करने की, 6,000 रुपये पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मिस्टर ए की। क्यों भाई? मिस्टर ए टैक्सेबल पर्सन है, मिस्टर पे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि पे आपको करना है, पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। कलेक्ट किससे करोगे? आप कंज्यूमर से कलेक्ट करना ना, आपने मिस नेहा से कलेक्ट कर लिया, तो अल्टीमेट बर्डन किसको पड़ा? बर्डन मिस नेहा को पड़ा। क्यों? नेहा ने 6,000 रुपये दिए ना, नेहा के पॉकेट से गए, नेहा को उसका बर्डन पड़ा। बट पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मिस्टर ए की। तो द पर्सन हु इज पेइंग द टैक्स, दैट इज मिस्टर ए, एंड द पर्सन हु अल्टीमेटली बियर्स द बर्डन, दैट इज मिस नेहा, आर डिफरेंट पर्सन, एंड दैट इज द बेसिक फीचर ऑफ एनी इनडायरेक्ट टैक्स। अभी जीएसटी है, पहले एक्साइज था, वैट था, कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स हो, उसका बेसिक फीचर ये है कि द टैक्सेबल पर्सन एंड द पर्सन इफेक्टिवली पेइंग द टैक्स इज डिफरेंट, द पेमेंट इज मेड, द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पेमेंट इज गिवन ऑन सम अदर पर्सन, एंड द बर्डन, अल्टीमेट बर्डन इज ऑन द फाइनल कंज्यूमर। समझा? मिस नेहा ने 6,000 रुपये पे किए, मिस नेहा 6,000 रुपये का क्रेडिट भी ले लेगी बाद में, करेक्ट? वो क्रेडिट ले लेगी। क्रेडिट का मतलब क्या होता है यहां पे? चलो इतना डिस्कशन हुआ है, हम क्रेडिट का भी डिस्कशन कर लेते हैं। क्रेडिट का मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, मिस नेहा ने ये फोन आगे याचना को सेल कर दिया फॉर 1 लाख, ठीक है? ये फोन याचना को सेल कर दिया फॉर 1 लाख एट जीएसटी एट द रेट ऑफ 12%, 12,000 रुपए टोटल हो गए, 1,12,000 रुपए। याचना ने नेहा को 1,12,000 रुपए पे भी कर दिया। अब नेहा को गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, नेहा को किसको पे करना है? गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। कितना पे करना है? नेहा ने कितने कलेक्ट किए भाई? नेहा ने कलेक्ट किया 12,000। तो आउटपुट टैक्स नेहा का कितना है? 12,000 लेस, नेहा ने 1,12,000 रुपए याचना से लिए। अब 12,000 रुपए उसने गवर्नमेंट को देने चाहिए, बट 6,000 रुपए ऑलरेडी उसने उसके बिहाफ में गवर्नमेंट के पास जमा है, करेक्ट? तो आउटपुट टैक्स 12,000 उसका, लेस इनपुट टैक्स 6,000, तो नेट 6,000 रुपीज अब नेहा गवर्नमेंट को पे करेगी, एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये एक्चुअली बार बार काम आएगा, इसीलिए मैंने यहां पे ये एग्जांपल लिया है। ये आपको समझा कि भाई अल्टीमेट, यहां पे सबसे पहले हमने समझा कि इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब द पर्सन हु इज पेइंग द टैक्स, दैट इज मिस्टर ए एंड मिस नेहा, दे आर डिफरेंट। बर्डन जो है वो अल्टीमेट कंज्यूमर के पास होता है। और सेकंड कंसेप्ट हमने समझा कि भाई इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या, ये आपने सबने आईपीसीसी लेवल में पढ़ा होगा, बट हम एक बार और डिस्कस करते हैं कि आउटपुट टैक्स नेहा का अभी कितना आ रहा है? 12,000 रुपीज लेस इनपुट टैक्स, उसने 6,000 लिया, अल्टीमेटली उसको गवर्नमेंट को 6,000 देने, क्योंकि जो नेहा ने ए को पे किए थे 6,000 रुपीज, जो नेहा ने ए को पे किए थे 6,000 रुपीज, वो ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास है नेहा के नाम पे, तो वो उसका क्रेडिट ले सकती है, ठीक है? ये आपको कंसेप्ट समझा, और समझते जाएगा हम लोग जैसे जैसे डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले मुझे एक बात बताओ यार, इनडायरेक्ट टैक्स समझा? इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या? द पर्सन टैक्सेबल पर्सन एंड द पर्सन इफेक्टिवली पेइंग द टैक्स इज सम अदर, जैसे कि मिस्टर ए ने नेहा से टैक्स लिया और गवर्नमेंट को पे किया। लाइबिलिटी सबसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन में मिस्टर ए की थी, बट अल्टीमेटली कलेक्ट उन्होंने नेहा से किया, ठीक है? दिस इज द, फिर सेकेंड लेवल पे नेहा की लाइबिलिटी थी, बट अल्टीमेटली कलेक्ट उसने याचना से किया और गवर्नमेंट को पे किया, और जब गवर्नमेंट को पे किया तो उसके पास क्रेडिट पड़ा था, वो यूज कर लिया, ठीक है? अब यहां तक तो हो गया। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार, जीएसटी क्यों आया? आप सब लोग सोच रहे हो यार, एक्साइज था, वैट था, सर्विस टैक्स था, इतने बढ़िया बढ़िया लॉ बनाए थे, जीएसटी को लाने की जरूरत क्या थी? कोई प्रॉब्लम थी पिछले इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर में, या ऐसे ही मस्ती कर रहे हैं? कुछ तो डेफिशिएंसी रही होगी, एंड विच इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो एज फार एज एग्जाम इज ऑल्सो कंसर्न्ड, डेफिशिएंसी इन अर्लियर टैक्स लॉ, आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है इस पे। तो अब देखो फिर से एग्जाम्पल से समझते हैं, थोड़ी देर एग्जाम्पल्स चलेंगे अभी, और उसी से आपके कंसेप्ट आपको याद रहने वाले हैं। तो सबसे पहले तो पुराने कौन से मेजर लॉ थे वो एक दो मिनट आप समझो। सबसे पहले एक्साइज ड्यूटी याद है? भूल गए? अभी भी है बॉस, वैट एक्साइज खत्म नहीं हुआ है, किस किस प्रोडक्ट में है वो हम डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है? सबसे पहले जो मेजरली पुराने लॉ थे एक्साइज, वैट और सर्विस टैक्स, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलो याद करो, एक्साइज ड्यूटी कौन सा गवर्नमेंट का रेवेन्यू था?
सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। सेकेंड चीज, एक्साइज ड्यूटी किस पे लगती थी? मैन्युफैक्चरिंग, जैसे ही मैन्युफैक्चर हुआ प्रोडक्ट लेवी हो जाती थी। उसका पेमेंट कब करना पड़ता था? उसका पेमेंट करना पड़ता था रिमूवल पे, याद आया आपको? कोई भी चीज मैन्युफैक्चर हो, एक्साइज ड्यूटी लग गई। सेकेंड, वैट सेल पे लगता था, कौन से गवर्नमेंट का रेवेन्यू था? स्टेट गवर्नमेंट। थर्ड, सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू था, किस पे लगता था? प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। मैं मेरे क्लाइंट को कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रही हूं, मुझे लग जाता था सर्विस टैक्स। अब थोड़े एग्जाम्पल से समझते हैं, थ्योरेटिकल लेवल पे आएंगे, आपको एग्जाम में तो यही लिखना है, बट एक बार इसके पहले एग्जाम्पल समझते हैं हम कि ये टैक्सेस को क्यों जाने की जरूरत थी और जीएसटी को क्यों आने की जरूरत थी, और सबसे पहले तो इन टैक्सेस में प्रॉब्लम ही क्या थी। अब आप मेरे को एग्जाम्पल से कुछ कुछ चीजें आप बताओ मुझे। चलो ठीक है, मैं याचना हूं, याचना ने क्लाइंट्स को कंसल्टेंसी सर्विस दी, टैक्स कौन सा लगेगा बताओ? सर्विस टैक्स लगेगा भाई, ठीक है। तो याचना ने फॉर एग्जाम्पल इस महीने का बिल रेस किया एक क्लाइंट पे 1 लाख रुपीज का, एड सर्विस टैक्स एट द रेट ऑफ 15%, 15,000 रुपीज, 1,15,000 रुपीज। क्लाइंट ने याचना को दे दिए 1,15,000 रुपीज, दे गई, काम करवाना नहीं करवाना, ठीक है। अब याचना को ना ये सर्विस देने के लिए ना कैसे सर्विस देती, याचना को काम करने के लिए लैपटॉप चाहिए, आईपैड चाहिए। तब याचना ने क्या किया, एक लैपटॉप खरीदा था इसी महीने इस सर्विस के लिए, या ठीक है। अब उस लैपटॉप मिस्टर एक्स से खरीदा याचना ने, लैपटॉप सेलर है। अब उन्होंने लैपटॉप याचना को दिया, वैल्यू हो गई लैपटॉप की से 50,000 रुपीज, ठीक है। उस पर उन्होंने क्या लगाया, वैट लगाया। लैपटॉप के सेल पे क्या लगता था? वैट लगता था। मैं इसको थोड़ा नीचे ले लेती हूँ, यहाँ जगह का थोड़ा कंस्ट्रेंट हो रहा है। तो मिस्टर एक्स से याचना ने क्या लिया, हमने डिस्कस किया अभी, लैपटॉप लिया। लैपटॉप की वैल्यू कितनी है? लैपटॉप की वैल्यू से 50,000 रुपीज। अब अज्यूम करती हूँ मैं उसमें वैट का रेट फॉर एग्जाम्पल 10%, 5,000 रुपीज, 55,000, ठीक है। अब इस ट्रांजैक्शन में याचना ने मिस्टर एक्स को 55,000 रुपीज पे भी कर दिए। मिस्टर एक्स ने क्या किया होगा, मिस्टर एक्स ने 50,000 रख लिए होंगे और 5,000 रुपीज किसको दे दिए होंगे, 5,000 रुपीज उन्होंने गवर्नमेंट को दे दिए होंगे, ठीक है। मिस्टर एक्स हैज पेड वैट टू गवर्नमेंट 5,000 रुपीज, ठीक है। ये एक चीज हुई इस ट्रांजैक्शन में। सेकेंड ट्रांजैक्शन में याचना ने क्लाइंट से 1,15,000 रुपये लिए, 1,00,000 रुपये बढ़िया खुद रख लिए, 15,000 रुपये तो सर्विस टैक्स के नाम के लिए थे क्लाइंट के। तो याचना ने क्लाइंट के जो भी सर्विस टैक्स के पैसे लिए थे 15,000 रुपये, शी इज पेड टू द गवर्नमेंट, विच गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट। वैट कौन सा गवर्नमेंट का होता था? स्टेट गवर्नमेंट का। तो मिस्टर एक्स ने वैट जो है स्टेट गवर्नमेंट का 5,000 रुपीज पे कर दिया, याचना ने सेंट्रल गवर्नमेंट को सर्विस टैक्स के 15,000 रुपये पे कर दिए। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, अब प्रॉब्लम ये है कि याचना ने 5,000 रुपये वैट के पे तो किए मिस्टर एक्स को, बट वो टैक्स का उसको कोई काम नहीं है, वो तो उसके लिए कॉस्ट बन गया। क्यों भाई? इसीलिए क्योंकि वैट का क्रेडिट सर्विस टैक्स के अगेंस्ट नहीं मिलता था, वैट का क्रेडिट सर्विस टैक्स के अगेंस्ट नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि वो सेंट्रल लेवी थी सर्विस टैक्स की, सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू जाता था और स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाता था वैट का। स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू वैट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू सर्विस टैक्स का, क्यों एक दूसरे में क्रेडिट देंगे? दोनों गवर्नमेंट अपने अपने पैसे ले ली। तो याचना ने यहाँ 5,000 रुपये पे तो करी, लैपटॉप खरीद रही है, आईपैड खरीद रही है, ऑफिस के लिए एसी खरीद रही है, यहाँ पे इतनी सारी चीजें खरीदी मैंने अपने ऑफिस के लिए, मेरे को कोई चीजों का क्रेडिट नहीं मिलता था। मतलब मेरे को बहुत ही प्रॉब्लम होता था कि यार मैं इतना इतना टैक्सेस पे करती हूँ और मेरे को कोई भी चीजों का क्रेडिट ही नहीं मिलता है। तो दिस इज अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, दिस वॉज अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन कि एक दूसरे के क्रॉस क्रेडिट ही नहीं मिलते थे। तो ये सर्विस प्रोवाइडर के एंगल से हमने अभी देखा तो भी कितना प्रॉब्लम था। आज मुझे मिलेगा लैपटॉप पे भी जीएसटी लग के आता है, आगे मैंने किसी को सर्विस दी तो भी जीएसटी लग के जाता है, तो क्रेडिट मिलेगा आज के टाइम पे, बट पहले ये प्रॉब्लम थी, एक दूसरे के क्रेडिट्स नहीं मिलते थे। स्पेशली जहां सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की अलग अलग लेवी हो, ये सेंट्रल कुछ टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, कुछ टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी, उल्टा एक स्टेट के वैट का दूसरे स्टेट के वैट पे नहीं मिलता था, 29 स्टेट के 29 वैट लॉस थे,
29 अलग अलग इंसान बिजनेस करें, कंप्लायंसेस करें, प्लस इंटरेस्ट स्टेट के केस में सीएसटी लगता था, सीएसटी का क्रेडिट वैट के अगेंस्ट नहीं मिलता था, तो ये बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी। अब ये तो एक सर्विस प्रोवाइडर का हमने देखा, अगर ये क्रेडिट मिलता, अगर ये क्रेडिट मिलता आज के टाइम पे, अगर ये चीज होगी तो यहां पे भी जीएसटी लगेगा 15,000 रुपए और यहां 5,000 रुपए भी जीएसटी लगेगा। तो अब गवर्नमेंट को याचना को 10,000 रुपए नेट पे करने पड़ेंगे क्योंकि उसे क्रेडिट मिलेगा, बट पहले नहीं मिलता था वैट का सर्विस टैक्स में, सर्विस टैक्स का वैट में, क्योंकि एक सेंट्रल लेवी थी, एक स्टेट की लेवी थी। अब एक मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल मैं आपको बताती हूं। ठीक है, एक और एग्जांपल समझते हैं हम। मिस्टर ए गुड्स सेल किए मिस्टर बी को, और मिस्टर बी ने आगे गुड सेल किए मिस्टर सी को। ठीक है, अब मिस्टर ए जो है वो मैन्युफैक्चरर है, मिस्टर बी डिस्ट्रीब्यूटर है, ये आगे होलसेलर है, फिर आगे रिटेलर और वो सारी चेन रहेगी, रिटेलर फाइनल कंज्यूमर, हम अभी इतनी चेन डिस्कस करते हैं। तो मैन्युफैक्चरर है, तो इन्होंने एक मोबाइल बनाया जिसकी वैल्यू है 1,00,000 रुपीज, उस पर मैन्युफैक्चरिंग है, क्या लगेगा, एक्साइज ड्यूटी लगेगी, यस एक्साइज ड्यूटी लगी, रेट अज्यूम करते हैं 10% फॉर सिंप्लिसिटी, 10,000 रुपीज का एक्साइज ड्यूटी लग गया, तो कितना हो गया 1,10,000 रुपीज। अब मिस्टर ए क्या कर रहे हैं, मिस्टर ए मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर करने के बाद सेल कर रहे हैं मिस्टर बी को, तो मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे टैक्स क्या लगता था, एक्साइज ड्यूटी, सेल पे टैक्स क्या लगेगा, वैट, वैट अज्यूम करते हैं 10%। तो आपको पता है वैट किस पे लगता था, वैट लगता था इंक्लूसिव ऑफ एक्साइज वैल्यू पे, मतलब 1,10,000 पे। और नॉट ऑन 1,00,000, मतलब क्या हुआ, टैक्स ऑन टैक्स, ये जो टैक्स लगा, ये जो टैक्स लगा, दिस इज टैक्स ऑन टैक्स, एक्साइज ड्यूटी पे भी लग गया, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी भाई, समझा आपको, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा है, टैक्स ऑन टैक्स लग रहा है। मिस्टर बी क्या करेंगे इसका, मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे एक्साइज लग गया, अब वो मैन्युफैक्चरर तो है नहीं, वो तो भाई डिस्ट्रीब्यूटर है, सेल कर रहे हैं आगे, उनको खाली वैट की लाइबिलिटी आएगी आउटपुट में, तो उनको करना क्या, एक्साइज ड्यूटी उनके लिए कॉस्ट बन जाएगी। ठीक है, वैट का क्रेडिट वो ले सकते हैं, बट एक्साइज ड्यूटी उनके लिए कॉस्ट बन जाएगी, तो उसका वो क्रेडिट भी नहीं ले सकते, तो वैट तो उनके यूज आ जाता था, बट एक्साइज ड्यूटी उनके यूज नहीं आती थी, क्योंकि देयर वाज नो सेंड वैट आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग स्टेज। फिर इसके बाद थर्ड प्रॉब्लम भाई, अगर उन्होंने फॉर एग्जांपल मिस्टर सी ने आगे मिस्टर डी को सेल किया और ये इंटरेस्टेड सेल है, तो टैक्स लगता था सीएसटी, सीएसटी के पेमेंट के लिए वैट का क्रेडिट मिस्टर सी को काम नहीं आएगा, तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें होती थी, सीएसटी के अगेंस्ट वैट का क्रेडिट नहीं था, तो एक टैक्स पे दूसरे टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो थी, दीज वेर द डिफिशियंसीज ऑफ द अर्लियर टैक्स सिस्टम। ठीक है, अब एक बार हम लोग यहाँ पे थ्योरेटिकल डिस्कशन पे आते हैं, एग्जाम में तो आपको यही लिखना है। तो डेफिशिएंसीज, व्हाट आर द डेफिशिएंसीज इन द अर्लियर टैक्स लॉ, एग्जाम में ऐसे आ सकता है आपको डायरेक्टली। सो फर्स्ट इज कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस, जो हमने डिस्कस किया एग्जाम्पल से, कि देयर वर कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस ऑन अकाउंट ऑफ लेवी ऑफ नॉन वैटेबल सीएसटी। सबसे पहले नॉन वैटेबल सीएसटी लगता था और वो आगे जाके नहीं मिलता था, जैसे कि यहाँ पे इस एग्जाम्पल को हम और कंटिन्यू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर बी ने इस प्रोडक्ट को मिस्टर सी को आगे 2,00,000 रुपीज में सेल कर दिया और 2,00,000 पे 10% वैट लगाया, 20,000 रुपीज, 2,20,000। और मिस्टर सी ने मिस्टर डी को अज्यूम करते हैं, मिस्टर सी ने मिस्टर डी को फॉर एग्जाम्पल 3,00,000 में ये सेल कर दिया और इस पर टैक्स लगा, सीएसटी का रेट नहीं था, बट फिर भी हम अज्यूम करते फॉर सिंप्लिसिटी 10%, 30,000, 3,30,000 सीएसटी लगा। अब उनको पे क्या करना है, सीएसटी। अब उनके पास यहां पे वैट लग के आया है, बी टू सी ट्रांजैक्शन में वैट लग के आया है, 20,000 का वैट मिस्टर सी ने पे किया, बट सीएसटी के आउटपुट के लिए उसका यूज ही नहीं कर सकते,
और आगे सीएसटी का क्रेडिट भी मिस्टर डी को नहीं मिलता था। सबसे लेवी ऑफ नॉन वेटेबल सीएसटी, मतलब मिस्टर डी को सीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता था। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि सीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता था। तो सीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा तो मिस्टर डी के लिए वो 30,000 रुपीज कॉस्ट बन गई। सीएसटी का क्रेडिट क्यों नहीं मिलता था वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि क्यों नहीं मिला सीएसटी का क्रेडिट, वो अभी आगे आई थिंक 15-20 मिनट्स के बाद डिटेल डिस्कशन में आएगा। बट सीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता था तो ये भी मिस्टर डी के लिए प्रॉब्लम किया। टैक्स तो पे कर रहे, कॉस्ट बनते जा रही, यहां पे एक्साइज पे किया कॉस्ट बन गई, यहां पे सीएसटी पे किया कॉस्ट बन गई। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी, पुराने इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर ही ऐसा था कि ये प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो चलो अब एक बार थ्योरेटिकल डिस्कशन पे आते हैं वापस। सो देयर वाज कैस्केडिंग इफेक्ट ऑन अकाउंट ऑफ टैक्सेस ऑन अकाउंट ऑफ लेवी ऑफ नॉन वेटेबल सीएसटी। नॉन वेटेबल सीएसटी मतलब कि भाई जिसका मेरे को क्रेडिट ही नहीं मिल रहा है, सीएसटी लग रहा है, मिस्टर डी को सीएसटी लग रहा है, बट कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा है, ऑब्वियसली उनके लिए कॉस्ट बन रही है वो। देन इंक्लूजन ऑफ सेनवैट इन द वैल्यू फॉर इम्पोजिंग वैट, ये हमने देखा। एक्साइज ड्यूटी इंक्लूड होती फॉर द पर्पज ऑफ लेवी ऑफ वैट, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में अभी देखा था कि ये एक्साइज ड्यूटी इंक्लूड हो रही है फॉर द पर्पज ऑफ लेवी ऑफ वैट, तो दिस वॉज अ मेजर प्रॉब्लम। देन देर वॉज नो सैंडवैट आफ्टर द मैनुफैक्चरिंग स्टेज, ये भी हमने डिस्कस किया कि भाई सैंडवैट था ही नहीं मैनुफैक्चरिंग स्टेज के बाद। डिस्ट्रीब्यूटरशिप और रिटेलर और ये सारे लोग तो वैट ही लगाएंगे क्योंकि ये सेल कर रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी तो खाली मैनुफैक्चरिंग स्टेज पर लग रही है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर इन्होंने जो सैंडवैट पे किया ये इनको क्रेडिट ही नहीं मिलता था। देन नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की लेवी थी, एक स्टेट गवर्नमेंट की लेवी थी, दोनों का इंटीग्रेशन ही नहीं था। गुड्स पे एक कलेक्ट हो रहा है टैक्स, सर्विस पे अलग एक टैक्स कलेक्ट हो रहा है। अभी तो जीएसटी इज वन गुड्स एंड सर्विस टैक्स, डबल टैक्सेशन, और ये तो मेजर प्रॉब्लम थी, डबल टैक्सेशन ऑफ अ ट्रांजेक्शन बोथ एज गुड्स एंड सर्विसेज। अब रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विस, इसको वैट वाले बोलते थे भाई गुड्स है, सर्विस टैक्स वाले बोलते थे नहीं 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 सर्विस है। अब वैट वाले बोल रहे हैं गुड्स है, सर्विस टैक्स वाले बोल रहे हैं सर्विस है, तो वैट वाले लगा रहे वैट, स्टेट गवर्नमेंट लगा रही वैट, सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही सर्विस टैक्स, दोनों दोनों टैक्स पे कर रहे हैं लोग, डबल टैक्सेशन हो रहा था क्योंकि गुड्स और सर्विस कोई बोल रहा है गुड्स है कोई बोल रहा है सर्विस है, लोग टैक्स पे कर रहे हैं, तो देयर वाज डबल टैक्सेशन। इन बहुत सारे केसेस में डबल टैक्सेशन हो रहा था उस टाइम पे। देन नॉन इंक्लूजन ऑफ सेवरल लोकल लेवीज इन द स्टेट वैट, अरे एक तो वैट हुआ स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स, उसके अलावा लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स एंड सो ऑन, इतने सारे लोकल लेवल पे टैक्सेस लगते थे, देयर वर मल्टीपल टैक्सेस, मतलब बिजनेस करो टैक्स संभालो यही नहीं समझ में आता था, इतने कंप्लायंसेज, इतने टैक्सेस, 29 स्टेट्स, 29 वैट के रिटर्न्स, 29 अलग अलग रेट, सबके प्रोविजन अलग, बहुत ज्यादा मुश्किल थी पुराने टाइम पे बिजनेस करने में। सो दीज वेयर द मेजर डेफिशिएंसीज इन द अर्लियर लॉ, दिस कुड कम इन अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ये आपको याद रखना है। सो एक ऐसे लॉ की आने की बहुत जरूरत थी जो आपको एक कंटिन्यूस फ्लो ऑफ क्रेडिट दे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि आपकी क्रेडिट की चेन आपकी जो थी वो ब्रेक हो रही थी, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जीएसटी के पहले। तो ऐसे एक लॉ की जरूरत थी कि जो भाई एक वैल्यू एडेड टैक्स भी हो, कंटिन्यूस सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट दे, और ये इसी कंसेप्ट पे हमारा जीएसटी आया। चलो हम सबसे पहले एक थोड़ा बेसिक कंसेप्ट जीएसटी का डिस्कस करते हैं। जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स लेवीड ऑन मैन्युफैक्चर सेल कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स पे भी लगता है सर्विसेज पे भी लगता है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे सेल हो चाहे सर्विस हो, प्रोविजन ऑफ सर्विस हो, हर एक चीज पे जीएसटी लगता है। नाउ द जीएसटी इज ऑन सप्लाई, जीएसटी का लेवी पॉइंट क्या है, सप्लाई पे जीएसटी लगता है, सप्लाई की डेफिनेशन हम सेकेंड लेक्चर में पढ़ेंगे, यहाँ पे सप्लाई पे जीएसटी लगता है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग चाहे सेल चाहे कंजम्पशन ऑफ गुड्स और कंजम्पशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, टैक्स एक ही लगेगा जीएसटी, समझा आपको। अब जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स का कंसेप्ट क्या होता है, जीएसटी आया ही वैल्यू एडेड टैक्स के कंसेप्ट पे, मतलब एक एक वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगते जाएगा और क्रेडिट पास होते जाएगा, जिसने जितना वैल्यू एडिशन किया उसको उतना टैक्स लगते जाएगा। चलो एक एग्जाम्पल यहां हमने लिया था, ये वाला एग्जाम्पल जो हमने फर्स्ट लिया था, या चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटा सा, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स सेल किए और मिस्टर बी ने मिस्टर सी को, मिस्टर ए ने गुड्स सेल कितने पे किए फॉर एग्जाम्पल 1 लाख में, एड जीएसटी
एट द रेट ऑफ 12%, 12,000 रुपीज, 1,12,000 रुपीज। इसी गुड्स को मिस्टर बी ने मिस्टर सी को सेल कर दिए, वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 2 लाख। देखो इतना एक का दो नहीं होता, बट अपन सिंप्लिसिटी के लिए देख रहे हैं। एट जीएसटी रेट ऑफ 12%, 24,000, 2,24,000 रुपीज। ठीक है, अब गवर्नमेंट को कौन कैसे टैक्स देगा, देखो ये समझना जरूरी है, इसलिए यहां पे से आपको समझना पड़ेगा। तो मिस्टर ए, मिस्टर ए गवर्नमेंट को क्या देंगे आप बताओ। हम ये अज्यूम करते हैं मिस्टर ए फर्स्ट डीलर है, इसके पहले उनके पास कोई क्रेडिट क्रेडिट आया हुआ नहीं है। तो मिस्टर ए सबसे पहले गवर्नमेंट को कौन कितना टैक्स देगा, मिस्टर ए देंगे, और अज्यूम अभी कर रहे हैं सिर्फ एक ही जीएसटी, नो सी एस आई, ये सब कॉम्प्लिकेट करेंगे हम थोड़ी देर बाद। एक बार आप पहले सिंपल लेवल पे जीएसटी का कंसेप्ट समझो, ठीक है। तो मिस्टर ए गवर्नमेंट को कितना पे करेंगे, 12,000 रुपीज मिस्टर ए ने पे कर दिया, ठीक है भाई। अब इसके बाद मेरे को बताओ मिस्टर बी ने वैल्यू एडिशन कितना किया, मिस्टर बी ने 1 लाख का गुड्स था उस पर प्लस 1 लाख का वैल्यू एडिशन किया, 1 लाख और एक्स्ट्रा का वैल्यू एडिशन किया। तो गवर्नमेंट को मिस्टर बी कितना पे करेंगे, तो देखो मिस्टर बी ने का आउटपुट टैक्स कितना है, 24,000 सेल पे। बी ने सी को कितने पे बेचा, 2 लाख पे, उस पर टैक्स कितना लगा, 24,000। 24,000 इज द आउटपुट टैक्स ऑफ मिस्टर बी विच ही इज लाइबल टू पे टू गवर्नमेंट ईदर बाय कैश और बाय यूज ऑफ क्रेडिट, ओके। आउटपुट टैक्स मिस्टर बी के पास कितना है, 24,000 लेस इनपुट, इनपुट क्रेडिट मिस्टर बी के पास कितना है आप बताओ मुझे, 12,000 रुपीज। ये पे किया ना मिस्टर बी ने मिस्टर ए को, 12,000 रुपए ऑलरेडी पे कर दिए मिस्टर बी ने मिस्टर ए को, और जो मिस्टर ए ने गवर्नमेंट को ऑलरेडी पे कर दिए, तो ये 12,000 रुपए, तो नेट 12,000 रुपए मिस्टर बी को गवर्नमेंट को पे करने, तो मिस्टर बी गवर्नमेंट को पे करेंगे 12,000। गवर्नमेंट के पास टोटल पैसे कितने आए आप मुझे बताओ, 24,000 आए, जितना अल्टीमेटली फाइनल लेवल तक के उस प्रोडक्ट पे टैक्स लगा है। आगे भी जाओ, सी से डी, डी से ई, डी से एफ, कितना भी चले जाओ, जितना फाइनल उस प्रोडक्ट पे फाइनल टैक्स लगा है उतना गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगा, और पहुंचाएगा कौन, जो जितना वैल्यू एडिशन करते जाएगा वो पहुंचाते जाएगा, समझा आपको। तो ये होता है कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एडिशन, जिसने जितनी वैल्यू ऐड की, इसने 1 लाख की और वैल्यू ऐड की, 1 लाख पे 12% करो कितना हुआ, 12,000 रुपए, 12,000 रुपए इसने दे दिया गवर्नमेंट को, समझा आपको। अगर उसके पास ये क्रेडिट नहीं रहेगा तो वो कैश में देगा, क्रेडिट रहेगा तो क्या क्रेडिट में दे देगा, पुराना क्रेडिट पड़ा होगा तो शायद पूरा यूज हो जाता, ये आपको समझा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एडिशन, पे टैक्स पे करना है। तो जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है जो किस पे लगता है, सारे पुराने टैक्सेबल इवेंट, कितना कंफ्यूजन था मैन्युफैक्चर उस पे, इतने सारे कैसे चलते हैं कि भी किसको मैन्युफैक्चर बोलते हैं, मैन्युफैक्चर सेल कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सब हट गया और एक ही कंसेप्ट आया, वो क्या है, सप्लाई, ठीक है। जीएसटी प्रोवाइड्स कंप्रेहेंसिव एंड कंटिन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट फ्रॉम प्रोड्यूसर सर्विसर अप टू अ रिटेलर कंज्यूमर लेवल, यस। अब जीएसटी का जो क्रेडिट है, जीएसटी जो भी पे करेगा नेक्स्ट स्टेप वाले को उसका क्रेडिट मिल जाएगा, पक्की बात है। पहले वैट का सर्विस टैक्स में नहीं, एक्साइज का वैट में नहीं, सीएसटी का वैट में नहीं, ये सारी चीजें होती थी, अब ऐसा कुछ नहीं है, अब सबको क्रेडिट मिलेगा। बी ने ये 12,000 पे किए इसको भी मिलेगा, सी ने ये 24 किए उसको भी मिलेगा, आगे डी ने कुछ पे किए उसको भी मिलेगा, अल्टीमेट एंड तक के जो अल्टीमेट कंज्यूमर है वहां तक के वो टैक्स क्रेडिट फ्लो होगा और अल्टीमेट कंज्यूमर ही उसका बर्डन बियर करेगा। सो जीएसटी इज अ कंप्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट फ्रॉम प्रोड्यूसर सर्विस प्रोवाइडर, फर्स्ट प्रोड्यूसर या जो सर्विस प्रोवाइडर है, अप टू द रिटेलर और फाइनल कंज्यूमर लेवल तक के उसका फ्लो चलेगा। ये हम कंसेप्ट समझ रहे हैं जीएसटी का, बहुत जरूरी है कंसेप्ट क्लियर होने आपके, आगे एमसीक्यूज में आपको आपके कंसेप्ट ही हेल्प करेंगे और थेरेटिकल क्वेश्चन भी में भी। ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना इसको याद रखो, ये जो रेड में आपको किए हुए हैं ये सारे वर्ड्स आपको याद रखने हैं। यहाँ स्पेसिफिकली हमने पूरी बुक में आपको कलर टेबुलर फॉर्म में बुक ही इसीलिए दी हुई है, जो आपके एकदम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं वो आपको याद करने, और आप याद रखिए ड्यूरिंग द लेक्चर मैं आपको बताते जाऊंगी कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और वो आपको एकदम अच्छे से याद रखना है, ठीक है, ओके। सो नाउ ईच पर्सन विल गेट द क्रेडिट फॉर टैक्सेस पेड एट अर्लियर स्टेज, द कंज्यूमर विल बियर द फाइनल टैक्स। हर एक इंसान को क्रेडिट मिलेगा, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, विल गेट द क्रेडिट ऑफ टैक्सेस पेड एट अर्लियर स्टेज एंड द कंज्यूमर विल बियर द फाइनल टैक्स। ये हमने अभी डिस्कस किया कि ए बी सी डी जितने लोग आपके सप्लाई चेन में है
सबको क्रेडिट मिलते चलेगा और लास्ट में जो फाइनल कंज्यूमर है वो बियर करेगा टैक्स. सिंस ओनली द वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज इज टैक्स्ड अंडर जीएसटी, देयर इज नो टैक्स ऑन टैक्स और कैस्केडिंग इफेक्ट. यस, हर एक स्टेज पे वैल्यू एडेड टैक्स है, आपका हर एक इंसान को क्रेडिट मिलते जा रहा है, सीमलेस फ्लो चल रहा है क्रेडिट का, तो इसीलिए कोई टैक्स ऑन टैक्स है ही नहीं. कैस्केडिंग इफेक्ट जैसे पहले होता था ना, वैट में एक्साइज ड्यूटी इंक्लूड कर रहे हैं, सीएसटी का क्रेडिट नहीं मिल रहा है, तो कोई भी कैस्केडिंग इफेक्ट जीएसटी के लॉ में नहीं रहेगी. एंड जीएसटी डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज, दिस द टू आर टैक्स विद अ सिंगल रेट. यस, गुड्स और सर्विसेज दोनों को अलग अलग नहीं माना है, मतलब अलग अलग माना है डेफिनेटली गुड्स और सर्विसेज का, पर टैक्स जो लगेगा दोनों में भी, गुड्स के केस में भी सर्विस के केस में भी, जीएसटी एक ही बार लगेगा, डबल टैक्सेशन नहीं होगा. ये आपको समझा? ठीक है, तो अब जीएसटी की नीड क्यों थी हमने डिस्कस किया, क्योंकि इतनी डेफिशिएंसीज थी एग्जिस्टिंग वैल्यू एडेड सिस्टम में, एग्जिस्टिंग लॉ में, जिसके कारण जीएसटी को आना पड़ा. जीएसटी से एक वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स, हमारा जो मोदी जी बोलते हैं वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स के कंसेप्ट पे आया हुआ है, सो एज टू कम्पीट विद ग्लोबल मार्केट. देखो पहले इतने सारे लॉ होते थे, मैंने आपको बताया, चलो मैं आपको ही बोलती हूँ, यार एक काम करो आप बिजनेस करो. पुराने जमाने में, पुराने टाइम पे जीएसटी के पहले 29 स्टेट्स, 29 वैट लॉ, सब जगह रजिस्ट्रेशन लो, सब जगह के रिटर्न भरो, सब जगह कंसल्टेंट्स अपॉइंट करो. आप क्या करोगे? आप इतना कॉम्प्लिकेट होंगे तो फॉरेनर्स के क्या हाल होंगे? वो इंडिया में आते तो वैसे ही टेंशन में आ जाते. क्यों आते? इसीलिए आते कि क्या है, क्या हो रहा है, 29 स्टेट्स 29 वैट लॉ, वो समझ में ही नहीं आएगा. हर जगह अलग अलग रेट लग रहे हैं, हर जगह अलग अलग प्रोसीजर है, डेडलाइंस अलग अलग है, रिटर्न ही अलग अलग भर रहे हैं, पेनल्टीज अलग अलग है, बहुत मुश्किल होता था. इसीलिए आप कंपीट कर नहीं पाते थे, आपके गुड्स और सर्विसेज काफी कई जगह बहुत महंगे रहते थे. गुजरात में रेट टैक्स का अलग है, महाराष्ट्र में अलग है, टैक्स का रेट ही अलग अलग है, तो यूर आपका यहाँ पे ही कॉम्पिटिशन हो जाता था. तो कंपीट विद द ग्लोबल मार्केट एज मेनी कंट्रीज आर फॉलोइंग जीएसटी रिजीम. यस, ये भी है, आज मोर देन 160 कंट्रीज आपका जीएसटी फॉलो कर रही है. अराउंड 160 कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर फॉलोइंग जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और हमारे इंडिया ने अभी इंप्लीमेंट किया ये जीएसटी. तो एक ट्रांसपेरेंट लॉ रहेगा तो इट इज वेरी इजी टू कंपीट इन द इंडिया एज वेल एज वेल एज द ग्लोबल मार्केट ऑल्सो. सो डेफिशियंसीज इन द अर्लियर टैक्स सिस्टम हैज लेड टू इट, ये सब हमने डिस्कस किया. सेनवैट क्रेडिट ऑफ एक्साइज एंड सर्विस टैक्स वेयर नॉट अवेलेबल टू रिटेलर्स एंड वैट डीलर्स. यस इट इज करेक्ट, वैट डीलर्स को नहीं मिलता था सर्विस टैक्स और एक्साइज का क्रेडिट, विच वॉज अ मेजर प्रॉब्लम. देन क्रेडिट ऑफ सीएसटी वेयर नॉट अवेलेबल फॉर डीलर्स अर्लियर. यस, डिफिकल्टी इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज, स्पेशली इन केस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, ड्रॉइंग डिजाइन, रेस्टोरेंट, सॉफ्टवेयर एंड वर्क कॉन्ट्रैक्ट. और इसीलिए इन लोगों को गुड्स भी बोल देते थे एंड सर्विस भी, और दो दो टैक्सेशन लगते थे, डबल टैक्सेशन. तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी और ये सारे सोल्यूशंस आए हैं जीएसटी के साथ में. तो इसीलिए एक ऐसा टैक्स स्ट्रक्चर आया है विच इज अ कंप्रेहेंसिव टैक्स स्ट्रक्चर, जिसमें गुड्स भी आता है, सर्विसेज भी आता है, और दोनों सेंटर और स्टेट पे साथ में ये लॉ आया है. ये अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये सेंटर और स्टेट पे कैसे आया है, ये हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं 2 मिनट बाद. मेजर इनडायरेक्ट टैक्सेस जो पुराने थे वो जीएसटी के अंदर आ गए, और अब जो टैक्स लगता है वो लगता है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे. तो इन जीएसटी रिजीम मेजर इनडायरेक्ट टैक्सेस हैव बीन सब्सूम्ड इन द एम्बिट ऑफ जीएसटी, द एर्स्टवाइल कंसेप्ट ऑफ मैन्युफैक्चर सेल और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज आर नो लॉन्गर अब एप्लीकेबल. तो सबसे पहले हम देखेंगे तो अब कौन से मेजर टैक्सेस जीएसटी में आके सब्स्यूम हो गए, द मेजर टैक्सेस सब्स्यूम एंड द मेजर टैक्सेस विच हैव नॉट बीन सब्स्यूम्ड अंडर जीएसटी, मतलब कौन से टैक्सेस जीएसटी में आ गए और कौन से टैक्सेस जीएसटी में नहीं आए जीएसटी आने के कारण. देखो पहले अपने इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर कैसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लगाती है. दोनों गवर्नमेंट टैक्सेस क्यों लगाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपने टैक्स लगाएगी, स्टेट गवर्नमेंट अपने टैक्सेस लगाती थी पहले. क्यों? क्योंकि इंडिया में जैसे एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू, वैट स्टेट गवर्नमेंट का है. दोनों गवर्नमेंट क्यों लगाती है? क्योंकि बॉस इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि दोनों गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए. रेवेन्यू किससे आता था? टैक्स से आता था, और उससे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करते हैं.
तो जीएसटी आने पे, जीएसटी हमारा इंडिया में जो आया वो ड्यूअल मॉडल में आया, हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं, मतलब सेंटर और स्टेट सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों भी लगते हैं, तो उसके लिए जीएसटी आने के लिए पुराने इनडायरेक्ट टैक्सेस को जीएसटी में मर्ज होने थे, तो सेंटर ने भी अपने कुछ टैक्सेस सेक्रीफाइस किए, स्टेट ने भी टैक्सेस सेक्रीफाइस किए और अब उनको जीएसटी से रेवेन्यू आता है। तो कौन से टैक्सेस जो पहले थे बट जीएसटी आने के कारण जीएसटी में सब्स्यूम हो गए, सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद कौन से टैक्सेस आज भी हैं वो डिस्कस करेंगे। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करके रखिए, एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है इस पे एज इट इज कि विच टैक्सेस हैज बीन सब्स्यूम्ड अंडर जीएसटी एंड विच टैक्सेस हैज नॉट बीन सब्स्यूम्ड अंडर जीएसटी, दो तीन चार मार्क के लिए आ सकता है। सेकेंड, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आपको ये आ सकता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं तो आना ही है ये, तो ये आपको याद कर लेना है, इसकी मेमोरी टेक्निक भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से टैक्सेस सब्स्यूम हो गए, मतलब जीएसटी में आ गए। तो इसमें दो बाइफर्गेशन है, फर्स्ट इज सेंट्रल टैक्स, सेंट्रल लेवल पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस होते थे वो कौन से सब्स्यूम हुए और स्टेट गवर्नमेंट के जो टैक्सेस थे वो कौन से जीएसटी में सब्स्यूम हो गए। तो सबसे पहले सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू होते थे, जीएसटी आने के कारण ये सब चले गए। एडिशनल कस्टम ड्यूटी विच इज नोन एज सीवीडी ऑल्सो, सेंट्रल सेल्स टैक्स एंड सेंट्रल सरचार्ज सो एज फार दे रिलेट टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये सारे टैक्सेस जीएसटी आने के कारण जीएसटी में आ गए। अब इसकी मेमोरी टेक्निक है सी ए सी एस, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, सी ए सी एस, वॉट एवर आपको याद रखना है। तो आप ये देख लो, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी आपका एक सी ए हो गया, देन सेंट्रल सेल्स टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी आपका एक सी ए हो गया, एंड सेंट्रल सरचार्जेस एंड सर्विस टैक्स आपका ये हो गया। आपको ये याद रखना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में एक्चुअली एक्सपेक्टेड है, फर्स्ट कीवर्ड से इसको बनाया है सी ए सी एस, जैसे भी आपको याद रखना है। तो ये जो सी ए सी एस है ये आपके सब्स्यूम हो गए सेंट्रल लेवल पे, देन स्टेट लेवल पे वैट या बोल लो या सेल्स टैक्स बोल लो वो, देन लग्जरी टैक्स लगता था लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग पे, अब वो भी जीएसटी में आ गया है, अब उस जगह बैटिंग गैम्बलिंग लॉटरी के केस में जीएसटी लगता है, देन ऑक्ट्राई एंट्री टैक्स था वो भी जीएसटी में सब्स्यूम हो गया है, परचेज टैक्स जीएसटी में आ गया है, और स्टेट के जो सरचार्ज और सेस हुआ करते थे विच रिलेट टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये भी जीएसटी में आ गए। तो ये सब आपको याद रखना है, वैट, सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स ऑन लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग, ऑक्ट्रा एंड एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स एंड स्टेट सरचार्जेस, ये जैसे मैंने आपको बोले हैं वैसे आपको भी याद रखने। इसकी भी मेमोरी टेक्निक है, एक मूवी थी याद है आपको पी एस आई लव यू, ये आपकी मेमोरी टेक्निक है, ये तो याद रह जाएगा PS I Love You, ठीक है। तो PS परचेज टैक्स, स्टेट सरचार्ज एंड लव इज लग्जरी टैक्स, ऑक्ट्राय एंड वैट, ये आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। ये इसकी मेमोरी टेक्निक होगी, ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में आना ही आना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और टैक्सेस विच आर नॉट सब्स्यूम्ड अंडर जीएसटी, मतलब कि भाई जो जीएसटी में नहीं आ पाए वो कौन से है, कस्टम ड्यूटी आज भी है, आपको पता होगा कस्टम ड्यूटी आज भी है, देन स्टैम्प ड्यूटी आज भी है, व्हीकल टैक्स, टैक्सेस ऑन लीकर, लीकर में तो आने ही नहीं दिया, इसकी तो बढ़िया स्टोरी है, हम लोग मजे से सुनेंगे बाद में, देन टैक्सेस ऑन सेल एंड कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इस पे भी जीएसटी नहीं है, रोड टैक्स एंड एंटरटेनमेंट टैक्स जो कुछ कुछ लोकल बॉडीज लेवी करती है, इन सब चीजें, ये वाले जो टैक्सेस है दीज आर नॉट सब्स्यूम्ड अंडर जीएसटी, मीन्स दीज आर द कंटिन्यूइंग टैक्सेस और इस पे आज भी ये वाले रिस्पेक्टिव टैक्सेस लगते हैं। अब इसकी मेमोरी टेक्निक, थ्री टाइम्स मेरा वीर बना सीएस, वीर सीएस, वीर इज ब्रदर इन पंजाबी एज फार एज आई नो, सो वीर सीएस इज द मेमोरी टेक्निक फॉर दिस। सो फर्स्ट वन की है सी ए सी एस सी ए, सेकेंड मेमोरी टेक्निक आपके स्टेट गवर्नमेंट के जो सब्स्यूम हुए वो तो याद आ जाएगा पी एस लव, एंड थर्ड इज जो सब्स्यूम नहीं हुए वो कौन से टैक्सेस है आपके वीर सी एस, वी स्टैंड फॉर व्हीकल टैक्स, ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, देन दिस इंटरटेनमेंट टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी एंड लीकर, आर इज रोड टैक्स एंड सी एस इज कस्टम ड्यूटी एंड यूर स्टैम्प ड्यूटी। तो ये आपको इस तरीके से याद रखना है, फ्रीक्वेंट रिविजन में लेके आओगे तो ये याद होना ही होना है, ठीक है। तो कौन से सेंट्रल लेवल पे फटाफट रिवाइज करते हैं, याद करना है यहाँ पे भाई, सेंट्रल लेवल पे कौन कौन से टैक्सेस सब्स्यूम हुए, सी ए कौन सा है आपका सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी फर्स्ट, देन एडिशनल एक्साइज ड्यूटी सेकंड, सीएस में क्या क्या आएगा आपका,
आपका आएगा सेंट्रल सेल्स टैक्स एंड सर्विस टैक्स, एंड थर्ड सीए में क्या आएगा आपका सेंट्रल सरचार्जेस एंड एडिशनल कस्टम ड्यूटी। ये टैक्सेस सेंट्रल लेवल पे लगते थे जो सब्स्यूम हो गए हैं जीएसटी में। सेकंड, स्टेट लेवल पे कौन से टैक्सेस सब्स्यूम हुए? स्टेट लेवल पे पीएस लव टैक्सेस सब्स्यूम हुए। पी स्टैंड्स फॉर परचेज टैक्स, एस स्टैंड्स फॉर स्टेट के सरचार्ज, लव स्टैंड्स फॉर लग्जरी टैक्स, ऑक्ट्राय एंड वैट। ये आपको क्लियरली याद रखना है। उसके बाद तीसरा, आपके कौन से टैक्सेस सब्स्यूम नहीं हुए जीएसटी में? तो दैट आर वीर सीएस, दैट इज वी स्टैंड्स फॉर व्हीकल टैक्स, ई इज फॉर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, देन एंटरटेनमेंट टैक्स, देन एक्साइज ड्यूटी एंड लिकर, आर स्टैंड्स फॉर रोड टैक्स, सी इज कस्टम ड्यूटी एंड एस इज स्टैम्प ड्यूटी। ये सारे टैक्सेस आपके जीएसटी में सब्स्यूम नहीं है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस पे या तो थेरेटिकल क्वेश्चन और एमसीक्यू एक्सपेक्टेड है, ठीक है? तो ये आपको एकदम अच्छे से याद कर लेना है, याद हो ही जाना चाहिए। ये आज के आज जो भी वीडियो जब भी देख रहे हो, ये आज के आज आपको ये याद हो जाना चाहिए। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं चैप्टर वन में, कुछ तीन या चार चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन उसी से एक्सपेक्टेड है। ए एनालिसिस चीज है जी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लॉ की, वही एग्जाम में आनी है, क्योंकि फाइनल लेवल पे इसका नॉलेज तो एक्सपेक्टेड है कि अब कौन से टैक्सेस हैं या कौन से टैक्सेस नहीं है, ठीक है? चलो, तो अब ये हो गया कि कौन कौन से टैक्सेस हमारे यहां पे सब्स्यूम हो गए। अब जीएसटी के बेनिफिट्स क्या हैं, एक हम थोड़े से बेसिक लेवल पे डिस्कस करते हैं। जीएसटी जो है एक विन विन सिचुएशन है इंटायर कंट्री के लिए। क्यों विन विन सिचुएशन है? बिकॉज इट इज ब्रिंगिंग बेनिफिट टू ऑल स्टेक होल्डर्स ऑफ इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, कंज्यूमर, सबके लिए है, क्योंकि लोअर हो रही है कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अब आप पूछोगे मैम लोअर कैसे हो गई, टैक्स तो लग ही रहा है, पहले एक्साइज लगता था अभी जीएसटी लग रहा है। तो भाई लोअर इसीलिए हुई क्योंकि अभी कैस्केडिंग इफेक्ट्स नहीं है, डबल टैक्सेशन नहीं है। तो इसके लिए आपके हार्मोनाइज सिस्टम प्रोसीजर्स हैं, आपके कॉस्ट डेफिनेटली गुड्स एंड सर्विसेज की लॉन्ग रन में कम होनी ही होनी है। सो व्हाट आर द मेजर बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी? सो फर्स्ट इज मिटिगेटिंग इल इफेक्ट्स ऑफ कैस्केडिंग, ये हमने डिस्कस किया। बिकॉज मोस्ट ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट टैक्स इनटू सिंगल टैक्स एंड नाउ अलाइंग सेट ऑफ ऑफ प्रायर स्टेट टैक्सेस फॉर ट्रांजैक्शन अक्रॉस द एंटायर वैल्यू चेन, इट वुड मिटिगेट द इल इफेक्ट्स ऑफ कैस्केडिंग। डेफिनेटली इट इज गोइंग टू avoid the it is going to mitigate the ill effects of cascading, it is going to improve the competitiveness and improve the liquidity of business। ये सब आपको जो इसके points है ना, mitigating ill effects of cascading, ये सब आपको याद रखना। ये सब theoretical question में दो तीन mark के लिए आए, और आए तो यहाँ marks छोड़ना नहीं है। आप CA के student हो, मुझसे ज़्यादा आपको पता है एक एक number की value क्या होती है। मुझे भी पता, even I have cleared this exam, so We all know the value of even one mark. So, ये दो तीन mark के लिए ऐसे questions भी आए तो हमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है? Then elimination of multiple taxation and double taxation. Yes, GST ने subsume कर लिया, हमने देखे कितने सारे taxes subsume कर लिए, CA हमने देखा, PS law, इतने सारे taxes subsume कर लिए। तो GST subsume majority of existing indirect tax levies both at central or state level into one tax. And GST is leviable uniformly on goods and services. This will make doing business easier and will also tackle the highly disputed issue relating to double taxation of a transaction as both goods and services. ध्यान है आपको? Double taxation restaurant and catering service पे लगता था। पहले ही इतने सारे taxes, excise duty, octroi, पता नहीं क्या 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 हमने अभी देखे, इतने सारे taxes हुआ करते थे। अभी at least इतना तो हुआ, ये जो हमारे इतने सारे taxes थे, इन सब की जगह एक ही टैक्स है जीएसटी। तो देर इज डेफिनेटली एलिमिनेशन ऑफ दीज मच ऑफ टैक्सेशन, एंड देर इज डेफिनेटली डबल टैक्सेशन। अब उतना नहीं होता है जैसे कि जो रेस्टोरेंट सर्विस के केस में हुआ करता था, वर्क कॉन्ट्रैक्ट के केस में हुआ करता था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में हुआ करता था, जिसको गुड्स भी बोल रहे हो और सर्विस भी बोल रहे हो, ठीक है? बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव मोदी जी का, गुड्स जीएसटी विल गिव अ मेजर बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया कंपिटेटिव इन द नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट। डेफिनेटली कंपिटेटिव होंगे हमारे गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, चीपर होंगे। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को इतना बूस्ट किया है जीएसटी ने, डेफिनेटली। बयानसी टू गवर्नमेंट रेवेन्यू, यस, जीएसटी इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग इंक्रीज इन रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट बाय वाइडनिंग द टैक्स बेस एंड इंप्रूविंग द टैक्स पेयर कंप्लायंसेस। यस फ्रेंड्स,
पहले एक्साइज के टाइम में आपको याद है 90 लाख के ऊपर आपका टर्नओवर जाएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिमिट 20 लाख पे सेट कर दी, 20 लाख कितना छोटा अमाउंट है जिसका टर्नओवर 20 लाख से एक्सीड हो गया उसको रजिस्ट्रेशन लेना है। तो भाई ये बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं होता, ये बहुत नॉमिनल सा अमाउंट है 20 लाख रुपीज। तो अगर इतना कम उन्होंने सेट किया है आपके रजिस्ट्रेशन के लिमिट, तो आप इमेजिन करिए हाउ मेनी पीपल हैव कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ जीएसटी। 20 लाख से 90 लाख के बीच में बिजनेस करने वाले कितने लोग थे जो अब जीएसटी में कंप्लायंट रहेंगे, जिनको एक्साइज में, मैन्युफैक्चरिंग स्टेज सेक्टर में स्पेशली, जिनको एक्साइज में जरूरत नहीं थी बट जीएसटी में जरूरत है रजिस्ट्रेशन लेने की। क्योंकि रजिस्ट्रेशन में जो लिमिट रखी है कि आप रजिस्ट्रेशन कब लोगे, जब आपका 20 लाख का टर्नओवर एक्सीड होगा तो आप रजिस्ट्रेशन लोगे। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे बट बेसिक लेवल पे ये चीज है। बहुत सारे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के केस रख दिए कि भाई अगर 10,000 की लिमिट है तो भी लेना है, ऐसे कुछ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन भी है किसी किसी को लेने। तो इस केस में आप सोचिए कितने सारे लोग जीएसटी में आ जाते हैं, तो इससे डेफिनेटली आपका टैक्स बेस वाइड हुआ है और आपके टैक्स पेयर्स को कंप्लायंसेस भी काफी करने रहेंगे। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि इतने सारे ये थे बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, अब देखो अब एक थोड़ी सी ना जीएसटी की स्टोरी सुनते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने अपने टैक्सेस सेक्रीफाइस किए। ड्यूअल मॉडल जीएसटी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपने टैक्सेस सेक्रीफाइस किए या सब्स्यूम किए हम बोलेंगे, स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपने टैक्सेस सब्स्यूम किए और टैक्स जो आया वो आया जीएसटी। अब जीएसटी जो फ्रेंड्स हमारे इंडिया में आया वो आया ड्यूअल मॉडल में। ड्यूअल मॉडल जीएसटी कनाडा का मॉडल अपनाया है। ड्यूअल मॉडल का मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले जब आया था जीएसटी का लॉ, डॉक्टर केलकर टास्क फोर्स कमेटी ने क्या रिकमेंड किया था, उन्होंने बोला था कि एक नेशनल जीएसटी लेके आओ, उन्होंने ये रिकमेंड किया था बट ये आ नहीं पाया, नेशनल जीएसटी आ नहीं पाया। नेशनल जीएसटी क्या था, ओनली वन जीएसटी, नो सीजीएसटी, नो एसजीएसटी, नो आईजीएसटी, इतना टेंशन ही नहीं चाहिए, नो यूटीजीएसटी, ओनली वन जीएसटी और पूरा सीमलेस फ्लो रहेगा, ये इतने सारे टैक्सेस ही नहीं रहेंगे सीएसआई। बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि वो पॉसिबल इसने नहीं हो पाया और इसकी जगह पे हमारे इंडिया में क्या आया, ड्यूअल जीएसटी आया। ये याद रखना है वर्ड, ड्यूअल जीएसटी मॉडल में हमारे इंडिया में जीएसटी आया। अब मेरे को बताओ ये पॉसिबल क्यों नहीं हो पाया। देखो इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर जो है, इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर ही ऐसा है दोस्तों कि टैक्स दोनों गवर्नमेंट को चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी स्टेट गवर्नमेंट को भी। क्यों चाहिए, क्योंकि दोनों को यार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है और उसके लिए फंड कहाँ से आएगा, टैक्स से आएगा। दोनों गवर्नमेंट को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी, दोनों गवर्नमेंट को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, उसके लिए उनको फंड्स चाहिए, फंड्स आएगा टैक्स से। अब इंडिया में नेशनल जीएसटी आता तो टैक्स कौन लेता, सबसे पहले डिस्कशन यही हुआ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला हम टैक्स हम ले लेंगे जी, स्टेट गवर्नमेंट ने बोला हमारा पूरे इतने सारे, हमारे कौन से टैक्स थे, पीएस लव, हम इतने सारे टैक्सेस सब्स्यूम कर रहे हैं जीएसटी के अंदर और तुम बोल रहे हो रेवेन्यू तुम ले लोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं हम देंगे आपको, तो स्टेट गवर्नमेंट बोला नो 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 नो, हमको आप पे भरोसा नहीं है, हमको तो हमारा जीएसटी चाहिए और हमको तो इतना भी भरोसा नहीं है कि हम महीने भर बाद भी लें, हमको तो पर ट्रांजैक्शन हमारा जीएसटी चाहिए। मतलब ये पेन आपने बेचा, एक शॉपकीपर ने ये पेन बेचा, यहीं पे एट द टाइम ऑफ सेल ओनली स्प्लिट हो जाना चाहिए सीजीएसटी और एसजीएसटी में। ये मोबाइल आपने बेचा एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ मोबाइल ओनली यहां पे स्प्लिट हो जाना चाहिए सीजीएसटी और एसजीएसटी में। हमको तो ऐसा डिले ही नहीं चाहिए कि हम बाद में पैसे दे देंगे। ट्रांजैक्शन वाइज आप देखते होंगे, आज आप जाओ जाके कुछ भी चीज खरीदो, बिल पे टैक्स क्या लगा होता है, सीजीएसटी एसजीएसटी, सिर्फ नेशनल जीएसटी आता तो सिर्फ जीएसटी लगा होता। आज सी और एस क्यों लगा हुआ है, क्योंकि दोनों गवर्नमेंट को
उसी ट्रांजैक्शन के स्प्लिट होते ही पैसे मिल गए। अब क्योंकि हमारे इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर ही ऐसा था कि दोनों गवर्नमेंट की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, तो एक ऐसा मॉडल जीएसटी का लाना था जिसमें दोनों को टैक्स का रेवेन्यू मिले, दोनों गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेवी टैक्सेस। इसीलिए ड्यूअल मॉडल जीएसटी आया, विच गिव्स पावर टू बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट टू लेवी द टैक्स टुगेदर। दोनों को पावर देती है कि दोनों जन टैक्स लगा सके। तो इंडिया में जो जीएसटी का मॉडल आया फ्रेंड्स, वो आया ड्यूअल मॉडल जीएसटी बिकॉज ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, विच इज द नीड ऑफ द कंट्री। हमारे इंडिया ऐसे कुछ कुछ कंट्रीज हैं जहां पे सिर्फ नेशनल जीएसटी या सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है, स्टेट गवर्नमेंट ले रही है, बट हमारे इंडिया का जो स्ट्रक्चर है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने दोनों गवर्नमेंट को कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है, दोनों गवर्नमेंट को अपने अपने काम करने, दोनों को रेवेन्यूज चाहिए, इसलिए ट्रांजैक्शन लेवल पे स्प्लिट कर सके, उसके लिए एक ही मॉडल ऑफ जीएसटी आ सकता था, ड्यूअल मॉडल जो हमारी इंडिया ने अडॉप्ट किया। देखो ये सब बहुत ध्यान से पढ़ना है हमको, ये बहुत बेस है हमारा। तो देखो दोस्तों, हम एक बार ये ड्यूअल मॉडल पढ़ते हैं, फिर वापस से ऊपर बॉडी ऑफ जीएसटी लॉ पे आएंगे। तो ड्यूअल मॉडल कैसे आया, इंडिया हैज अडॉप्टेड, जो हमने अभी डिस्कस किया, एक बार यहां पढ़ते हैं, हैज अडॉप्टेड अ ड्यूअल जीएसटी मॉडल इन व्यू ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। कॉन्सिक्वेंटली सेंटर एंड स्टेट साइमल्टेनियसली लेवी जीएसटी ऑन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ व्हिच टेक्स प्लेस विद इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी, दिस टैक्स इज इम्पोज कॉन्करेंटली बाय सेंटर एंड स्टेट्स एंड सेंटर हैज द पावर टू लेवी इंटरस्टेट, हाँ सेंटर हैज द पावर टू टैक्स इंटरस्टेट सेल्स एंड स्टेट ऑल्सो हैज द पावर टू टैक्स सर्विसेज। जीएसटी एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और भी क्यों आने को जरूरी था, पहले मुझे आप बताओ, ये आपको सब समझा, पहले मुझे बताओ जब सर्विसेज पे कौन सी गवर्नमेंट रेवेन्यू लेती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, करेक्ट? और वैट का रेवेन्यू किसका था, स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। अब गुड्स वैट मतलब किस पे लगता था, गुड्स पे, तो गुड्स का रेवेन्यू किसका हुआ करता था, स्टेट गवर्नमेंट का, और सर्विसेज का रेवेन्यू किसका हुआ करता था, सेंट्रल गवर्नमेंट का। और अब टैक्स क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। जीएसटी में अब गुड्स पे भी और सर्विस पे भी दोनों गवर्नमेंट साथ साथ में टैक्स लगाएगी। मतलब अगर ये मैं पेन सेल कर रही हूं, पेन क्या है, गुड्स, गुड्स है, गुड्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे अभी अभी, ये तो मान सकते हो ना गुड्स है, ठीक है, ये पेन गुड्स है, ये मोबाइल गुड्स है, ये मोबाइल जब मैं सेल करूंगी तो टैक्स क्या लगेगा, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का सीजीएसटी का शेयर रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट का एसजीएसटी का। मतलब गुड्स पे पहले गुड्स पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू हुआ करता था, अब गुड्स पे जीएसटी आने के बाद स्टेट का भी रहेगा और सेंटर का भी रहेगा। पहले सर्विसेज पे, मैं सीए हूं, मैं कंसल्टेंसी सर्विसेज देती हूं मेरी क्लाइंट्स को, पहले सर्विसेज का रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता था, अब मैं सर्विसेज दूंगी अपने क्लाइंट को, यहां मुंबई में ही मैंने कोई सर्विस दी अपने क्लाइंट को, रिटेनरशिप, जीएसटी की इंपैक्ट एनालिसिस असाइनमेंट बना के दिए, सारा कुछ किया, उसमें इंपैक्ट एनालिसिस रिपोर्ट बना के दी, सॉरी, उसमें रेवेन्यू मेरे को टैक्स क्या लगाना पड़ेगा, मेरे को टैक्स लगाने पड़ेगा भाई सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। मतलब अब सर्विसेज पे रेवेन्यू दोनों गवर्नमेंट को मिलता है, स्टेट को भी, सेंटर को, जो पहले सिर्फ सेंटर को मिला करता था, ठीक है। तो नाउ स्टेट ऑल्सो हैज द पावर टू लेवी ऑन सर्विसेज एंड सेंटर हैज द पावर टू लेवी ऑन गुड्स, जो पहले वैट स्टेट गवर्नमेंट का हुआ करता था, ठीक है। ये है हमारा ड्यूअल मॉडल जीएसटी, आई होप समझा होगा आपको। नेक्स्ट बेटा बॉडी ऑफ जीएसटी लॉ, बॉडी ऑफ जीएसटी लॉ कौन कौन से एक्ट्स है, पांच एक्ट्स आए बेटा जीएसटी में, पांच एक्ट्स आए। एक आया सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, नेक्स्ट आया स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। ये किसके लिए आया, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस जो हमारे हो रहे हैं उस पर क्या लगता है, आपने जनरली देखा होंगे कोई ना कोई बिल्स वगैरह पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, वो यहां पे कौन से एक्ट से गवर्न होता है, सीजीएसटी एक्ट 2017, एसजीएसटी एक्ट 2017। तो एग्जाम्पल के साथ साथ समझेंगे हम यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल बेटा मिस्टर ए जो है कहां के, मुंबई, उन्होंने गुड सेल किया याचना को, याचना भी मुंबई में,
मोबाइल सेल किया फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए मुंबई से, याचना मुंबई से। एक चीज अभी भी क्लैरिफाई कर दूं, चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ेंगे यहाँ पे, उस टाइम पे हम डेफिनेशन इंट्रास्टेट की, डिटेल में पढ़ेंगे, अभी लेमैन लैंग्वेज में समझो, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टर ए मुंबई की है, याचना भी मुंबई की है, यहाँ पे मिस्टर ए ने याचना को एक मोबाइल सेल किया, तो टैक्स कौन सा लगेगा बेटा? टैक्स जो लगता है यहाँ पे लगता है सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, लगता है टैक्स इंटरेस्टेड सेल। आपने देखा होगा, आप लोग जाओ यहाँ पे लोकल जहां पे आप हो वहां पे शॉप से आप कुछ खरीदते हो, टैक्स कौन सा लगता है? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगता है। अब ठीक है, ये बात हुई कब? इंटरेस्टेड स्टेट के यहाँ पे हम अगर सेल हो रहा है यहाँ पे, तब तो कौन सा एक्ट से लगता है बेटा? सीजीएसटी, एक्ट 2017 से, एसजीएसटी एक्ट 2017 से, एसजीएसटी यहाँ पे लगता है। एसजीएसटी एक्ट किसके लिए आया? ऑल 29 स्टेट्स के लिए आया बेटा, जो अलग अलग स्टेट है सबका अपना अपना एसजीएसटी एक्ट है। महाराष्ट्र है यहाँ पे का, यहाँ पे महाराष्ट्र का जीएसटी एक्ट होगा, मध्य प्रदेश का जीएसटी एक्ट होगा, गुजरात का जीएसटी एक्ट होगा, हर एक स्टेट का अपना अपना यहाँ पे क्या रहेगा? एसजीएसटी एक्ट रहेगा, ठीक है, क्योंकि इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर ही ऐसा है, हर स्टेट का अपना अपना यहाँ पे क्या रहेगा? स्टेट का यहाँ पे एसजीएसटी एक्ट रहेगा बेटा। बट हम अभी आगे देखेंगे, बाकी सब चीजें सेम है, सेक्शन सेम है, लॉ सेम है, नोटिफिकेशन सारे सेम है, रेट ऑफ टैक्स सेम है, वैल्यूएशन के रूल्स सेम है, सब चीजें सेम है, बट हर स्टेट का अपना अपना यहाँ पे क्या है? एक्ट है बेटा। किसके लिए आया? 29 स्टेट्स के लिए और 3 यूनियन टेरिटरी है बेटा, दिल्ली, अब जम्मू कश्मीर भी एंड पौंडीचेरी, ये तीनों का खुद का स्टेट लेजिस्लेचर है। कौन कौन? दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर। तो इनके केस में भी बेटा क्या लगता है? एसजीएसटी एक्ट लगता है। बाकी की यूनियन टेरिटरी मैम, बेटा बाकी की यूनियन टेरिटरी के लिए जो एक्ट आया वो है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, यूटीजीएसटी जिसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूटीजीएसटी यहाँ पे एक्ट है 2017। कौन सी यूनियन टेरिटरीज के मैम? बेटा बाकी की जो यूनियन टेरिटरीज है, मतलब की फर्स्ट अंडमान निकोबार, देन लद्दाख, देन लक्षद्वीप, देन दादरा नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, अब इनको एक ही बना दिया गया है, एंड देन लास्ट चंडीगढ़। ये 5 यूनियन टेरिटरी में क्या टैक्स लगेगा बेटा? यूटीजीएसटी लगेगा, सो फॉर एग्जाम्पल यहां पे मिस्टर ए कहां से है मैम? मिस्टर ए तो यहां पे अंडमान निकोबार से है। ओके, मिस्टर ए अंडमान निकोबार से, याचना भी अब जाके अंडमान निकोबार में ही रह रही है, काफी टाइम हो गया है, तो यहाँ पे याचना भी अंडमान निकोबार से है, मिस्टर ए भी अंडमान निकोबार से, याचना भी अंडमान निकोबार से, याचना ने वहां पे जाके मोबाइल खरीदा, लोकल शॉप है मिस्टर ए की वहां से। टैक्स कौन सा लगेगा बेटा? सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी। टैक्स कौन सा लगेगा? सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी क्या होगा? यूनियन टेरिटरी की जो गवर्नमेंट है उसका रेवेन्यू रहेगा, ठीक है। तो एसजीएसटी की जगह क्या लगेगा बेटा? यूटीजीएसटी लगेगा, अब मैम मिस्टर ए जो है ना वो जम्मू कश्मीर के हैं और याचना भी अभी जम्मू कश्मीर में, वहां पे खरीदा तो क्या लगेगा मैम? तो बेटा उस केस में लगेगा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। क्यों मैम? 3 यूनियन टेरिटरी, दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू कश्मीर, हमें समझ गया, यहाँ पे यूटीजीएसटी नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा? एसजीएसटी लगेगा, ये बेटा याद रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अब ये रीसेंट अमेंडमेंट है बेटा, यहाँ पे पहले जम्मू कश्मीर लद्दाख जो था वो एक ही था, अभी क्या हो गया यहाँ पे जम्मू कश्मीर, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर है उसके पास में, जम्मू कश्मीर को यहाँ पे डीम टू बी स्टेट माना जाएगा, एंड लद्दाख के केस में क्या टैक्स लगेगा बेटा? सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अब मैम अभी ये तो ठीक है, ये आप इंटरस्टेट बता रहे हो, अब फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए तो मुंबई के है, याचना जो है सूरत से, गुजरात, याचना कहां से? गुजरात से। मिस्टर ए मुंबई, कहां आता है मैम? महाराष्ट्र में। अलग अलग स्टेट्स है मैम, मैं फिर से बोल रही हूं, इंटर स्टेट इंट्रास्टेट की डेफिनेशन जो है हम कब पढ़ेंगे? आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी सिंपली समझो। तो इस केस में मैम टैक्स क्या लगेगा बेटा? टैक्स लगेगा यहां पर आईजीएसटी। क्यों लगा मैम? इंटर स्टेट बेटा, इंटर स्टेट के लिए टैक्स कौन सा लग रहा है? आईजीएसटी लग रहा है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। और उसके लिए कौन सा एक्ट आया बेटा? आईजीएसटी एक्ट यहाँ पे आया हमारा, विच इज अवर फोर्थ एक्ट। फर्स्ट वॉज सीजीएसटी एसजीएसटी फॉर इंट्रास्टेट, देन यूटीजीएसटी किसके लिए था यहाँ पे? इंट्रा यूनियन टेरिटरी के लिए, देन आईजीएसटी एक्ट 2017 आया।
IGST Act 2017 आया. मैम अब ये सब क्यों हुआ बेटा, एक बहुत बढ़िया स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगी यहाँ पे, छोटी सी, वेरी इंपॉर्टेंट. जीएसटी में हम कौन से मॉडल पे है जीएसटी बेटा, हम शिफ्ट हो गए डेस्टिनेशन बेस्ड मॉडल में. पहले था जो होता था सीएसटी के टाइम पे, मैं आपको समझाऊंगी, ओरिजिन बेस्ड यहाँ पे टैक्सेशन होता था. उससे मेजर शिफ्ट हुआ, मेजर मेजर मेजर, और हम कहां पे आ गए उससे, हम आ गए मैम डेस्टिनेशन बेस्ड में. डेस्टिनेशन बेस्ड, कंजम्पशन बेस्ड मॉडल पे हम आ गए. मतलब क्या हुआ, मतलब पहले सीएसटी के टाइम पे क्या होता था बेटा, अगर मिस्टर ए यहां पे कहां से है, मुंबई से है, और याचना कहां से है, हमारा सिमिलर एग्जाम्पल कंटिन्यू करेंगे, सूरत से, गुजरात से, याचना गुजरात से है, तो टैक्स कौन सा लगता था बेटा यहां पे, पहले टैक्स कौन सा लगता था, सीएसटी लगता था. कौन सा टैक्स लगता था, सीएसटी लगता था इंटरस्टेट सेल्स में. सीएसटी का रेवेन्यू किसका होता था, ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन था बेटा. सीएसटी का रेवेन्यू होता था महाराष्ट्र गवर्नमेंट का. सीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता था, क्यों नहीं मिलता था, गुजरात गवर्नमेंट बोलती थी भाई मैं क्यों क्रेडिट दूं, महाराष्ट्र में जाके पे किया ना, उनसे मांगो क्रेडिट. याचना को क्रेडिट नहीं मिलता था, ये जीएसटी के पहले की बात कर रही हूं. जीएसटी के पहले में जब यहां पे मुंबई से माल गया कहां, सूरत बेटा, गुजरात, यहां पे टैक्स कौन सा लगता था मैम, टैक्स लगता था सीएसटी, और वो रेवेन्यू होता था किसका, ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता था. याचना को क्रेडिट मिलता था नहीं, क्यों, क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट बोलती थी भाई मैं क्यों क्रेडिट दूं, पे महाराष्ट्र में किया वहां जाके लो. महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोलती थी अच्छा भाई मिस्टर ए 29 स्टेट्स में हर जगह माल भेजेंगे, हम क्या हर जगह का हिसाब किताब रखते रहें, नहीं हो पाएगा सॉरी. तो कोई क्रेडिट देता ही नहीं था, कोई क्रेडिट देता ही नहीं था, इसलिए सीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता था, और यहां पे अननेसेसरी टैक्स का बर्डन हो जाता था. इसलिए बहुत जरूरी था भाई, बहुत जरूरी था यहाँ पे कि कोई ऐसा सिस्टम आए जिससे कि यहाँ पे जो हमारा टैक्स है, यहाँ पे इस तरीके से जो ब्लॉक हो रहा है, यहाँ पे टैक्स का जो बर्डन आ रहा है वो ना आए. इसलिए जीएसटी में आईजीएसटी कंसेप्ट लाया गया, और हम शिफ्ट हो गए किस पे, डेस्टिनेशन बेस्ड मॉडल पे. डेस्टिनेशन बेस्ड मॉडल का मतलब क्या हुआ, अब अगर मिस्टर ए कहां के हैं, जो कि मुंबई के, गुड्स भेजते हैं याचना को, याचना कहां से भाई, गुजरात से है, बात हुई थी अभी, तो टैक्स कौन सा लगेगा भाई, आईजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी लगेगा. जिसका क्रेडिट क्या याचना को मिलेगा, यस यस, जीएसटी में कंसेप्ट है सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, बिल्कुल क्रेडिट मिलेगा याचना को. क्यों मिलता है याचना को क्रेडिट, क्योंकि आईजीएसटी बेटा कलेक्ट कौन करता है, आईजीएसटी कलेक्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, आईजीएसटी इज कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, हाउएवर इट इज अपोर्शनड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कंज्यूमिंग स्टेट, मतलब गुजरात. आईजीएसटी का रेवेन्यू अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट का नहीं रहेगा, इस केस में गुजरात गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में 50-50 अपोर्शन होगा. तो गुजरात को कोई टेंशन ही नहीं, गुजरात गवर्नमेंट बोली बिल्कुल हम क्रेडिट दे देंगे. आगे वही गुड्स याचना ने पंजाब में भेज दी, तो भाई वो पंजाब गवर्नमेंट को क्रेडिट मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आईजीएसटी लगेगा. यहां क्या हो रहा है ट्रांजैक्शन में, इंटरेस्टेड यहां पे सेल हुआ, आईजीएसटी लगा. मिस्टर ए को कुछ नहीं करना है, मिस्टर ए तो भैया याचना से पैसा लेंगे, फॉर एग्जांपल 1,00,000 रुपए का वैल्यू था, 18,000 रुपए का टैक्स था, आईजीएसटी 18,000, 1,18,000 टोटल लिया उन्होंने, 1,00,000 खुद रख लेंगे, 18,000 गवर्नमेंट को पे कर देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आईजीएसटी चले जाएगा, फिर सेंटर और स्टेट अपना अपना कर लेंगे 50-50, 9,000 उनके पास आ जाएगा. स्टेट कौन सा, गुजरात स्टेट, गुजरात स्टेट को रेवेन्यू मिल गया, तो गुजरात स्टेट ने बोला कोई टेंशन नहीं है भाई, कोई भी टेंशन नहीं है, हम क्रेडिट दे देंगे. तो यहां पे क्रेडिट चेन ब्लॉक नहीं हो रही, सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट हो रहा है. आईजीएसटी का क्रेडिट याचना को मिलेगा, ठीक है, उसके लिए कॉस्ट नहीं बन रहा जो कि पहले होता था. तो ये कौन सा मॉडल बेटा, डेस्टिनेशन बेस्ड मॉडल पे आया है जीएसटी, ठीक है. अब क्या हुआ, ठीक है, इसीलिए पहले तो आईजीएसटी आया, ताकि आईजीएसटी के कंसेप्ट से अब क्या होगा बेटा, यहां पे आपका, यहां पे क्रेडिट जो है आपका, क्रेडिट का चेन ब्लॉक नहीं होगा, इसलिए आईजीएसटी एक्ट को लेके आया. अब क्या हुआ, अब सेलर स्टेट, बहुत सारे स्टेट्स अपने इंडिया में बेटा जो सेलर स्टेट्स हैं, मतलब जहां से बहुत ज्यादा सेल होता है,
जहां से बहुत ज्यादा सेल होता है। अब जो सेलर स्टेट्स में वो थोड़े टेंशन में आ गए, बोले यार जीएसटी आने के कारण तो लगता है लॉस हो जाएगा, पहले इतना रेवेन्यू आता था सीएसटी का, अब आईजीएसटी तो इन्होंने दे दिया कंज्यूमिंग स्टेट को, तो लॉस आ गया। सेलर स्टेट्स आ गए टेंशन में, तो गवर्नमेंट ने बोला आप भाई टेंशन मत लो, इसका भी सोल्यूशन है हमारे पास। क्या स्टेट्स ने पूछा, सेलर स्टेट्स ने पूछा भाई क्या है, तो गवर्नमेंट ने बोला एक जीएसटी कंपनसेशन सेस हम लेकर आएंगे। जीएसटी कंपनसेशन सेस, ये देखो ये एक्ट जो आया हमारा पांचवा एक्ट, जीएसटी कंपनसेशन एक्ट यहां पे हम लेकर आए हैं। इसका मतलब क्या हुआ मैम, तो बेटा इसमें गवर्नमेंट ने बोला कि हम क्या करेंगे ना, जीएसटी से जो भी सेलर स्टेट्स हैं, जो भी सेलर स्टेट्स हैं लाइक जैसे हमारे एग्जांपल में महाराष्ट्र, जो भी सेलर स्टेट्स को हम असेस करेंगे कि भाई इनको यहाँ पे क्या हो गया, लॉस हो गया है। क्यों? जीएसटी आने के कारण इनको बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, तो उन स्टेट्स को हम कंपनसेट करेंगे और उसका पैसा हम कहां से लाएंगे, हम लगाएंगे एक सेस जिसको बोलेंगे जीएसटी कंपनसेशन सेस। क्या सभी प्रोडक्ट पे लगेगा? नहीं, लग्जूरियस प्रोडक्ट और सिन गुड्स पे लगाएंगे, लग्जूरियस प्रोडक्ट और सिन गुड्स पे लगाएंगे। और हम क्या करेंगे, उससे जो भी हमारा रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो हम किसको देंगे, वो हम उन स्टेट्स को देंगे, हम असेस करेंगे उसके बाद हम उन स्टेट्स को देंगे जिनको जीएसटी आने के कारण यहां पे नुकसान हुआ है, उसके लिए हमने एक सेस लेकर के आएंगे। हम देखेंगे, हमको जब लगेगा तब हम लगाएंगे। किस पे लगाएंगे? हम लगाते रहेंगे लग्जूरियस प्रोडक्ट पे, सिन प्रोडक्ट पे। और उसके लिए कौन सा एक्ट आया बेटा? जीएसटी कंपनसेशन सेस, जीएसटी कंपनसेशन यहां पे एक्ट आया 2017। तो इन शॉर्ट कौन कौन से एक्ट आए? पांच एक्ट आए बेटा। सीजीएसटी एसजीएसटी लगाने के लिए यहां पे सीजीएसटी एक्ट 2017 एक ही है बेटा, सीजीएसटी एक्ट एक ही है। एसजीएसटी एक्ट 29 स्टेट्स के लिए 29 एक्ट है और तीन यूनियन टेरिटरी के लिए भी है। कौन सी तीन यूनियन टेरिटरी? दिल्ली, जम्मू कश्मीर और यहां पे पौंडीचेरी। देन यूटीजीएसटी एक्ट पांच यूनियन टेरिटरी के लिए, कौन सी? अंडमान निकोबार, लद्दाख, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। ये एक ही यूनियन टेरिटरी है अब, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव एंड चंडीगढ़ फिफ्थ। इनमें टैक्स कौन सा लगेगा? यहाँ पे यूटीजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी। आईजीएसटी कब लगेगा भाई? इंटर स्टेट के केस में आईजीएसटी और लग्जूरियस और सिन प्रोडक्ट में जब भी लगेगा, सेलर स्टेट को कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे टैक्स लगाएगा जाएगा, जीएसटी कंपनसेशन सेस, और उसके लिए वो एक्ट आया। तो ये पांच एक्ट आए बेटा, ये पांच एक्ट है। अब मैम अगर इंटर यूनियन टेरिटरी हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अंडमान निकोबार से मुंबई माल जा रहा है, तो टैक्स कौन सा लगेगा बेटा? आईजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। ये सारा डिस्कशन थोड़ा सा और होगा चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है। अब ये हुआ हमारा बॉडी ऑफ जीएसटी लॉ, देन फ्रेमवर्क वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये हमने ऑलरेडी देखा है, अभी हमने अभी अभी जस्ट पढ़ा है, हम समझेंगे। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, बेटा याद रखना, एमसीक्यू में कभी पूछ सकते हैं, आपको याद होना चाहिए। कौन सा मॉडल है जीएसटी? डेस्टिनेशन बेस्ड मॉडल है, मेजर मूव है ये। एप्लीकेबल ऑन ऑल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग व्हाट? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शन। इसका ये पूरा चैप्टर नंबर 2 है, सप्लाई का हम पढ़ेंगे। जीएसटी किस पे लगता है बेटा? सप्लाई पे लगता है, टैक्सेबल इवेंट होता है, हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 सप्लाई का ये। तो सप्लाई किसका भाई? गुड्स का या सर्विस के सप्लाई पे जीएसटी लगता है। सारे ट्रांजैक्शंस पे एक्सेप्शंस हम देखेंगे। अब इंटर स्टेट सप्लाई किया तो अब आपको पता है कौन सा टैक्स लगेगा बेटा? आईजीएसटी लगेगा, विच इज लेवीड एंड कलेक्टेड बाय यस सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड देन इट इज अपोर्शन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, रेशियो क्या है अभी 50-50। देन इंट्रा स्टेट सप्लाई के केस में क्या लगेगा बेटा? सीजीएसटी एसजीएसटी। इन केस ऑफ व्हाट बेटा? सीजीएसटी लेवीड एंड कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है, एसजीएसटी लेवीड एंड कलेक्टेड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट्स। एंड इंट्रा यूनियन टेरिटरी फॉर एग्जांपल अंडमान निकोबार टू अंडमान निकोबार, इन दैट केस सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी लेवीड एंड कलेक्टेड बाय बेटा व्हाट? क्या? यूनियन टेरिटरी। यूटीजीएसटी लेवीड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन टेरिटरी विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर, पांच यूनियन टेरिटरीज जो हमने देखी, ठीक है। इसमें रिफॉर्मेशन कैसा हुआ है? अभी अभी हमने जैसे कि देखा कि जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख का रिफॉर्मेशन हुआ है, ये सब आपको पता ही है, ये अभी अभी रिसेंटली हुआ है, थोड़े टाइम पहले ही। तो अब जम्मू कश्मीर क्या हो गया बेटा? इट इज डीम्ड टू बी स्टेट। एंड लद्दाख क्या रहेगी? हमारी यूनियन टेरिटरी। एंड पहले दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थी, उनको यहां पर मर्ज करके एक ही यूनियन टेरिटरी बन गया। सो दिस इज द न्यू थिंग। नाउ ये हुआ, अब लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क देखेंगे। देयर इज अ सिंगल लेजिस्लेशन सीजीएसटी एक्ट फॉर लेविंग सीजीएसटी। जैसे कि हमने देखा सीजीएसटी लगाने के लिए सिर्फ एक ही एक्ट, सीजीएसटी एक्ट 2017।
सिमिलरली यूनियन टेरिटरी विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर अंडमान निकोबार लक्षद्वीप लद्दाख दादर नगर हवेली दमन दीव चंडीगढ़ आर गवर्न बाय यूटीएजीएसटी एक्ट। ये भी हमने अभी समझा, ये मैंने साथ में डिस्कशन ले लिया था, अभी बस हम एक बार देख लेते हैं। सो यूनियन टेरिटरी विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर पांचों के लिए क्या है बेटा, यूटीजीएसटी एक्ट है। फॉर लिविंग व्हाट यूटीजीएसटी, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी विद देयर ओन स्टेट लेजिस्लेचर दैट इज दिल्ली जम्मू कश्मीर पॉन्डिचेरी एंड ऑल द 29 स्टेट्स हैव देयर ओन जीएसटी लेजिस्लेशन फॉर लिविंग व्हाट एसजीएसटी लगता है इन केसेस में। दो देर आर मल्टीपल एसजीएसटी लेजिस्लेशन, देखो बेटा एसजीएसटी के कितने सारे एक्ट पास हुए, सारे 29 स्टेट्स के 29 एक्ट पास हुए, बट द बेसिक फीचर ऑफ लॉ सच एज चार्जेबिलिटी डेफिनेशन ऑफ टैक्सेबल इवेंट टैक्सेबल पर्सन क्लासिफिकेशन वैल्यूएशन प्रोसीजर फॉर कलेक्शन एंड लेवी ऑफ टैक्स एंड लाइक आर यूनिफॉर्म इन ऑल एसजीएसटी लेजिस्लेशन एज फार एज फीजिबल दिस इज नेसेसरी टू प्रिजर्व द एसेंस ऑफ ड्यूअल जीएसटी। यस बेटा, यहां पे पहले से इतने सारे एक्ट पास हुए क्यों, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर अपने अपने स्टेट्स का अपना अपना, यहाँ पे इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर ऐसा है, इसीलिए इतने सारे स्टेट लेजिस्लेशन यहाँ पे स्टेट लॉस पास हुए। बट वर्ड टू वर्ड सारे चीजें सेम है, सारे एक नोटिफिकेशन आज सीजीएसटी एक्ट में आया, सारे एसजीएसटी एक्ट में आज किया जाएगा, वैल्यूएशन के रूल सेम है, टैक्सेबल इवेंट सेम है, सब कुछ वर्ड टू वर्ड यहाँ पे सेम है, वर्ड टू वर्ड सारे यहाँ पे एक्ट सेम है, ठीक है। बस फेडरल स्ट्रक्चर के कारण यहाँ पे इतने सारे स्टेट लॉस पास करने पड़े। हम यहाँ पे क्लास में क्या पढ़ेंगे बेटा, आपको जो एप्लीकेबल है हम सीजीएसटी एक्ट पूरा पढ़ेंगे, देन आईजीएसटी एक्ट के जो प्रोविजंस यहाँ पे एप्लीकेबल है आईजीएसटी एक्ट जो है हम पढ़ेंगे, हमारा एक चैप्टर ही आईजीएसटी एक्ट चैप्टर नंबर 11 वो हम पढ़ेंगे, बाकी प्रोविजन हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ सीजीएसटी एक्ट सिर्फ एक चैप्टर नंबर आपका 3 है उसमें कुछ प्रोविजंस हम आईजीएसटी एक्ट के पढ़ेंगे, देन चैप्टर नंबर 11 पूरा आईजीएसटी एक्ट का, उसके अलावा जितने सेक्शंस हम क्लास में पढ़ेंगे सारे सेक्शंस याद हो जाएंगे, टेंशन ही मत लो, बहुत मल्टीपल रिवीजन करेंगे हम क्लास में, वो सब किसके सीजीएसटी एक्ट के रहेंगे, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, द गुड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ HSN दैट इज हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर अंडर जीएसटी। बेटा यूएस से अडॉप्ट किया हमने ये सिस्टम, क्या हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, गुड्स उसके बेसिस पे क्लासिफाई होते हैं, गुड्स उसके बेसिस पे क्लासिफाई होते हैं। अ न्यू स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस हैज बीन डिवाइज्ड वेरिन सर्विस ऑफ वेरियस डिस्क्रिप्शन हैज बीन क्लासिफाइड अंडर वेरियस सेक्शन हेडिंग्स एंड ग्रुप्स। तो यहाँ पे क्या है बेटा, सर्विस की जो है स्कीम वो जो है यहाँ पे डिवाइज की गई है जिसमें कि जो अलग अलग डिस्क्रिप्शन की सर्विस है उनको क्लासिफाई किया गया है, सेक्शन हेडिंग्स ग्रुप्स एंड ऑल दैट। तो सर्विस के लिए एक नया सिस्टम आया, गुड्स के लिए जो सिस्टम यहाँ पे गुड्स जिस बेसिस पे क्लासिफाई होते हैं वो कौन सा है बेटा, HSN सिस्टम है, HSN सिस्टम है, ठीक है। तो यहां तक बेटा हम यहाँ पे हमारा एक बार डिस्कशन स्टॉप करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, यहाँ पे हमने सारी चीजें यहाँ पे समझी, यहाँ पे अभी हमारा फ्रेमवर्क शुरू हुआ है, इसके आगे का जो पोर्शन है हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो बेटा विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर, थैंक यू फॉर नाउ।